हाय एवरीवन आप सभी का स्वागत है कॉलेज वाला के इस चैनल पे आज की वीडियो में हम यार सी लैंग्वेज का लास्ट लेक्चर करने वाले हैं और पहले से यार आपसे माफी क्योंकि मेरा थोड़ी सी तबीयत इतनी ठीक नहीं है अब यार सी लैंग्वेज की जो हमारी सीरीज़ है ऑलरेडी मैं दस ग्यारह लेक्चर बना चुका हूँ एंड कंप्लीट कर दी थी मैंने अगर मैं प्रैक्टिकल यूज़ बताऊँ उसका इन टर्म्स ऑफ योर सेमिस्टर एग्जाम्स एंड इन टर्म्स ऑफ योर प्लेसमेंट्स कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो अलग अलग कॉलेजेस में यार अलग अलग तरीके से आते हैं जैसे कुछ कॉलेजेस में सी लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर भी है स्पेसिफिकली सी लैंग्वेज का यूज़ करके मेरे कॉलेज में डेटा स्ट्रक्चर था इर रिस्पेक्टिव ऑफ एनी लैंग्वेज अब कुछ लैंग uh, कॉलेज में यहाँ पर काफ़ियों में फ़ाइल हैंडलिंग कराई जा सकती है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ठीक है क्या है यहाँ पे फाइल हैंडलिंग है ठीक है uh, अब जैसे मैंने स्विच केस छोड़ दिया था और ये यूजलेस टाइप सी चीज़ है ठीक है इसका काम नहीं होता लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एक आध आपको समझा दूंगा प्री प्रोसेसर इसकी भी यार कई बार डेफिनेशन पूछ लेते थे या फिर आपको जानना जरूरी होता है अब ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी जो भी कॉलेज किताब आपको वो करता है प्रिस्क्राइब या आपके टीचर्स भी जो कराते हैं ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़ाते अगर आप उनसे ही थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते तो ये सारा सारा काम हो सकता है लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की यहाँ पर डिमांड थी कि आप उनको ये लेक्चर चाहिए और अगले सेशन वालों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को यहाँ पे हम चार चीज़ें पढ़ेंगे प्री प्रोसेसर स्विच केस फाइल हैंडलिंग और डी एम ए ठीक है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो यार प्री प्रोसेसर से अभी तक मैं आपको कहते आ रहा था कि हैश इंक्लूड यार ये बस आपको लिखना होता है फिर उसके बाद main करके फिर आप फंक्शन अपना लिखो पूरा कोड लिखो इसका मीनिंग क्या होता है तो सबसे पहले जो हमारा ये हैश इंक्लूड होता हैश होता है प्री प्रोसेसर हैश इंक्लूड को हम बोलते हैं यार प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ठीक है अब नाउ दिस इज यूज टू तो इंक्लूड हेडर फाइल्स फॉर आर सी प्रोग्राम जैसे जो ये एस टी डी ओ डॉट एच है इसको मैं अलग कलर से करता हूँ जो ये एस टी डी ओ डॉट एच है ये क्या है डॉट एच का आप मतलब समझ सकते हो हेडर फाइल के लिए डॉट एच इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे सी प्लस प्लस में आजकल डॉट एच नहीं लगता बट सी लैंग्वेज में अभी भी है ये अब एस को आप ऐसे बोल सकते हो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एस से स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर ऐसे आप कह सकते हो उसको याद कर सकते हो ऐसे में ये रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे ये सब चीज़ों के लिए कि प्रिंट एफ जो हमारा फंक्शन है जो आ, उसको प्रिंट करता है हमारे कहते हैं आउटपुट लेने के लिए काम आता है स्कैन एफ हमने पढ़ रखा है इनपुट लेने के लिए बेसिक चीज़ है ऐसी चीज़ें इंक्लूड करने के लिए हमें यार ये लिखना होता है एस टी डी ओ डॉट एच राइट सिमिलरली मैंने आपको यार जब हम फंक्शंस पढ़ रहे थे तो स्क्वायर रूट फंक्शन भी पढ़ाया था कि अगर आप लिखो कि भाई फ्लोट में स्टोर कर लो स्क्वायर रूट को फ्लोट एफ इज इक्वल टू एस क्यू आर टी और यहाँ पे आप लगा दो कुछ ऐसा मान लो आपको सेवन की स्क्वायर रूट चाहिए तो वो यहाँ पे यार सेव होकर आ जाएगी ठीक है एस क्यू आर टी का फंक्शन इस्तेमाल करके लेकिन ये फंक्शन तब तक नहीं चलता जब तक मैं एक दूसरी हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करूँगा वो भी मैंने आपको सिखाई थी यार वो हमारी थी हैश इंक्लूड यहाँ पर मैं दूसरी हेडर फाइल अपनी इंक्लूड करता हूँ जो कि होती है मेरी मैथ डॉट एच ठीक है इससे वेरियस मैथ के फंक्शंस आते हैं सिर्फ ये नहीं आता कुछ और भी आते हैं स्क्वायर रूट के अलावा एस क्यू आर टी में अगर आप सी बी आर टी करते हो आज हम चेक करेंगे यार सी बी आर टी करके भी सी बी आर टी यार क्यूब रूट के लिए होता है मान लो एट का क्यूब रूट निकालना है तो टू होता है आंसर राइट right. हमने एक्चुअली में ना यार एक और हैश इंक्लूड कर रखा था हमने हैश इंक्लूड अगर आपको याद हो लिमिट्स डॉट एच भी पढ़ा है अगर आपने सारी मेरी वीडियोस देखी है तो 100 परसेंट ये चीज़ आपको कराई गई है लिमिट्स डॉट एच से हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमें अपने इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो या फिर अपनी मिनिमम वैल्यू निकालनी हो किसी भी चीज़ की इंटीजर ऐसे में राइट right. तो लॉन्ग की इंटीजर की तो वो ऐसे निकालते हैं और फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंट मैक्स का इंट मिन का इन सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं लिमिट डॉट एच का इस्तेमाल करके एक बार आते हैं थोड़ा सा अपने कोडिंग uh, स्क्रीन पे आते हैं और आपको वापस से सारी की सारी चीज़ें धीरे धीरे करके मैं आपको वापस से पढ़ाता हूँ ठीक है उसके बाद हम मैक्रोज़ की तरफ बढ़ेंगे कि जो ये प्री प्रोसेसर हैश ठीक है दिस इज द प्री प्रोसेसर हैश इज द प्री प्रोसेसर दिस कंप्लीट थिंग इज दिस इसका और भी क्या काम होता है सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं सबसे पहले आ जाते हैं अपने यहाँ पे फो क्या कहते हैं डेस्कटॉप पे आप अपना सी प्रोग्रामिंग का फोल्डर खोलिए एंड यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लीजिए इसको थोड़ा क्लीन भी कर देते हैं एक नया फोल्डर बना लीजिए जिसका आप नाम रखिए आज सी का लास्ट लेक्चर आज हमारा सी का लास्ट लेक्चर होने वाला है यार ठीक है सी लास्ट लेक्चर कमेंट्स में यार ये ज़रूर बता देना आप हालांकि भसड़ मत मचाना बस नॉर्मली बताना कि क्या आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक्चुअली में डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम अपने सेकेंड सेमेस्टर में सी लैंग्वेज में ही पढ़ना है मतलब वो मैंडेटरी है तो बताइए फिर हम यार एक और टीचर है पंकज सर जो कि गेट में पढ़ाते हैं तो वो आपको यहाँ पे भी पढ़ा देंगे सी प्रोग्रामिंग के साथ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम बहुत ही सीनियर टीचर है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ठीक है तो आप कमेंट्स में बताना आपको अगर चाहिए तो वो ले आएंगे ठीक है तो यार सी प्रोग्रामिंग को खोलिए एंड अपने फोल्डर को खोल देते हैं बन गया होगा यार हमारा फोल्डर ये रहा लास्ट लेक्चर ठीक है तो इसी के अंदर हम नई फाइल बनाते हैं सबसे पहले नाम देते हैं प्री प्रोसेसर ठीक है डॉट सी आ जाते हैं यहाँ पे यार कोड लिखते हैं अपना अच्छा एक और चीज़ कि मान ले हम मान लो हम कोड लिखते हैं एक बेसिक सा कोड लिख के दिखाता हूँ आपको इंक्लूड एस टी डी ओ डॉट एच इंट मेन ठीक है और यहाँ पे लिख देते हैं आउट नहीं यार आदत हो गई अब आउट लिखने की काफ़ी दिनों से यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो ठीक है एक बार रन करते हैं ठीक है तो ये मैंने थोड़ा इधर कर दिया आपने देख लिया होगा आई होप शायद पहली बार मैंने नीचे किया था तो ये जो हमारा टर्मिनल है मैंने राइट में कर रखा है कोई बात नहीं है वो नीचे भी हो सकता है ठीक है तो इधर आ जाते हैं ये हमारा क्या है यार प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैच है, 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 एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है अगर मैं इसको हटा दूं मतलब ना लिखूं कमेंट कर दूं तो क्या ये कोड चलेगा एक बार रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हो एरर आ गया ठीक है यही मैं आपको बताना चाह रहा था एरर क्यों आ गया इम्प्लिसिटली डिक्लेयरिंग लाइब्रेरी फंक्शन प्रिंट एफ प्रिंट एफ एस टी डी ओ डॉट एच का एक फंक्शन है इनको हम लाइब्रेरी फंक्शन कहते हैं ठीक है तो इसलिए यार इन्होंने लिखा है इंक्लूड देखो लिख भी रहे हैं इसको अच्छे से देख लेते हैं इंक्लूड दर एस टी डी ओ डॉट एच और एक्सप्लिसक्लेन फॉर एफ ठीक है तो ये कह रहे हैं भाई साहब ये लगाओ इसके बिना ऐसे काम नहीं चलेगा राइट इसको लगा लिया करो दूसरा अगर मान लेते हैं मैं ये कहता हूं कि भाई यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं फ्लोट में फ्लोट एफ या फ्लोट एक्स इज इक्वल टू एस क्यू आर टी मेरे को टू का स्क्वायर रूट यार प्रिंट करना है ठीक है स्क्वायर रूट ऑफ टू एंड बाद में हम इसको कर देते हैं प्रिंट एफ और यहाँ पे हम लिख देते हैं यार परसेंटेज डी डी नहीं यार परसेंटेज एफ होता है फ्लोट का राइट right. तो इसके बाद हम लिख देते हैं एक्स है हमारा वेरिएबल तो देखिए मैं रन करता हूँ वापस एरर आएगा एरर इम्प्लिसिटली डिक्लेयरिंग लाइब्रेरी फंक्शन एस क्यू आर टी ये अपने आप से ही बता देता है क्योंकि कंपाइलर स्मार्ट है ठीक है एस क्यू आर टी हमने नहीं यूज़ किया तो ये कह रहा है करो तो हैश टैग इंक्लूड यहाँ पे लिखो यार अपना एस क्यू आर टी डॉट एच ठीक है आई एम सो सॉरी एस क्यू आर टी डॉट एच नहीं मैथ डॉट एच वो फंक्शन का नाम है एस क्यू आर टी है एक बार रन करते हैं तो ये देखिए वन पॉइंट फोर वन फोर यही होती है हमारी रूट टू की वैल्यू एक बार रूट थ्री की वैल्यू निकालते हैं आना चाहिए वन पॉइंट सेवन थ्री टू देखो वन पॉइंट सेवन थ्री टू ठीक है आगे की चीज़ें तो याद नहीं रहती मेरे को बट हाँ तो ऐसे ही यार आप ना एक और काम कर सकते हो आप क्यूब रूट भी निकाल सकते हो अब एक बार करते हैं सी बी आर टी आठ का क्यूब रूट क्या होता है टू होता है सबको पता है टू का क्यूब एट होता है तो ये देखिए टू बिल्कुल सही आंसर आ रहा है अगर मैं यहाँ पे बोलूँ यार अपना क्या के कहते हैं टू वन सिक्स का क्यूब रूट तो सिक्स होता है देखो सिक्स सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स अगर मेरे को रैंडम नंबर का टेन का क्यूब रूट निकालना है तो पॉइंट्स में आ जाएगा देखो बिल्कुल सही टू पॉइंट वन फाइव फोर फोर इसको आप तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे आपको टेन मिल जाएगा ठीक है तो ये सी बी आर टी एस क्यू आर टी ये सब होते हैं हमारे मैथ डॉट एच के अंडर अच्छा एक चीज़ होती है वैसे मैं आपको बता चुका हूँ लेकिन फिर भी एक चीज़ होती है यार हमारी क्या लिमिट्स डॉट एच मतलब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा इंटीजर है ये बात बहुत क्लियर है मैं अपने इंटीजर के अंदर मान लेते हैं इंटेक्स कोई भी नंबर स्टोर नहीं कर सकता ऐसे कितना भी बड़ा एक लिमिट होती है उसकी कि बहुत बड़ा नंबर स्टोर करने की और बहुत छोटा नंबर स्टोर करने की उस लिमिट को कैसे निकालें तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट ठीक है और फिर यहाँ पर कहता हूँ मैं मैक्स देखो ये आ गया तो थोड़ा सा गलत से आ रहा है लेकिन अगर मैं कहता इंट मैक्स ठीक है और फिर अगर मैं कर देता हूं प्रिंट एफ यहाँ पे एक बार देख लेते हैं एक्चुअली सी प्लस प्लस में इंट मैक्स ही होता है हो सकता है सी लैंग्वेज में कुछ और हो वो हम चेक कर लेंगे आपको कभी रट्टा मारने की जरूरत नहीं हो ठीक है अब यहां पे कर लेते हैं हम प्रिंट एफ परसेंटेज डी परसेंटेज डी और इस एक्स को प्रिंट कर लेते हैं देखता है एरर आएगा तो पता लग जाएगा ठीक है भाई अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर इंटरमैक्स की जगह कुछ और एक्सप्रेशन होता है चेक करते हैं उसको इंट ऐसे आ रहा है क्या अच्छा ऐसे आ रहा है हमारा ठीक है डिफाइन इंटमैक्स ठीक है तो सी लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंट सीन है करके देखते हैं अब रन करते हैं हाँ तो देखो हो रहा है रन ये जो मेरा नंबर है ना यार इसको एक बार कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल बी ये मेरा ला, लार्जेस्ट नंबर है जो कि मेरा इंट डेटा टाइप इंट वाला डब्बा इससे बड़ा नंबर स्टोर नहीं कर सकता अगर मैं करके भी देखूँ और ऐसे डिक्लेयर करते हैं हम यहाँ पे मैंने दो अंडरस्कोर स्कोर लगा रखे आई बिलीव एक दो हाँ फिर लिखो कैपिटल में इंट फिर एक अंडरस्कोर फिर मैक्स फिर दो अंडरस्कोर ठीक है C प्लस प्लस लैंग्वेज में हम ऐसे लिखते हैं इंट x इज इक्वल टू सिर्फ वो थोड़ा इसके बाद बनी है इससे आसान और इससे अच्छी बनी है ठीक है उसमें हम सिर्फ ये करते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपको ऐसे करना होगा याद रख लेना इस चीज़ को मैंने आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया लेकिन फिर भी अब देखिए ये जो नंबर है ये मैक्सिमम है अगर मान लो मैं लिखता हूँ इंट एक्स इज़ इक्वल टू यहाँ पे दूसरा वेरियबल इंट वाई कराना है तो वाई प्रिंट हो जाएगा बिल्कुल सही है देखो। लेकिन अगर एट कर बस देखो, एक ये प्रिंट नहीं होगा कुछ और तो वैल्यू वार्निंग भी आ रही है ठीक है भाई वार्निंग इस बात की आ रही है कि इंट से आप लॉन्ग में कर रहे हो मतलब इंटीजर की आप उसकी औकात से ही बाहर जा रहे हो अच्छा अगर इंट की जगह में लिखता यहाँ पे लॉन्ग फिर देखना रन किया तो देखो वापस से आ रहा है आ, अच्छा इसमें तो दूसरी वार्निंग आ रही है मैंने यहाँ पे डी लिख दिया ना तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर भी अलग होता है एल डी होता है अब देखिए नंबर आ गया एट बिल्कुल सही है मैं नाइन भी कर दूँ तो लॉन्ग होता है हमारा डेटा टाइप यार जो ज़्यादा बड़े नंबर आपके यहाँ पर स्टोर कर सकता है ठीक है यार अलग अलग वो होती है जैसे इंटीजर हमारा चार बाइट्स ऑक्यूपाई करता है मेमोरी के अंदर तो ऐसा होता है थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको यहाँ पे आई होप मैंने एक एक क्लास में ये बताया था वैसे तो लेकिन कोई बात नहीं वापस से आपको सारी चीज़ें एक बार बता देते हैं जो आपका इंट डेटा टाइप होता है यार वो हमारी चार बाइट्स घेरता है मेमोरी के अंदर चार बाइट्स का मतलब होता है फोर इंटू एट यानी कि थर्टी टू बिट्स एक बाइट में आठ बिट्स होती है थर्टी टू बिट्स का यार सिंपल मतलब होता है कि हमारे पास टू रेस्ट द पावर थर्टी टू ऑप्शन है ऑप्शन मतलब इतने नंबर्स मैं स्टोर कर सकता हूँ ठीक है अब इसका रीजन यार इसके लिए आपको इलेवेंथ क्लास की परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन आनी चाहिए थर्टी टू बिट्स का मतलब होता है हमारे पास ऐसे थर्टी टू बिट्स है और हर एक बिट में हर एक बिट में या तो जीरो स्टोर हो सकता है या वन क्योंकि कंप्यूटर को यही समझ आता है बाइनरी में तो सबके पास दो दो ऑप्शन हैं तो टू रेस्ट टू पावर थर्टी टू बन गया हमारा ठीक है समझ नहीं भी आ रहा तो ये याद कर लो इतना हो गया अब इतने नंबर्स हैं तो होता क्या है जितने हम पॉजिटिव नंबर रखना चाहते हैं उतने ही नेगेटिव रखना चाहते हैं तो हमारी जो इंट की रेंज होती है इंट की जो रेंज होती है वो होती है माइनस टू रेज टू पावर सिक्सटीन से इसका आधा कर दो से लेकर प्लस टू रेज टू पावर सिक्सटीन तक बस माइनस वन लगा दो यहाँ पे एक ये यहाँ पे माइनस वन यार क्लियरली सिर्फ इसलिए आया है हमारा क्योंकि तो एक नंबर मेरा जीरो भी है ना तो इसलिए एक नंबर कम कर दिया मैंने समझना इस बात को लेकिन जो हमारा लॉन्ग होता है सिमिलरली यार लॉन्ग अगर हमारा होता है तो वो हमारा फोर बाइट्स नहीं लेता वो एट बाइट्स लेता है ठीक है और सी प्लस प्लस में थोड़ी चीजें डिफरेंट है सी प्लस प्लस में लॉन्ग भी पता नहीं क्यों फोर बाइट ही लेते हैं कई बार तो हम वहाँ पे लॉन्ग अवॉइड करते हैं हम लॉन्ग लॉन्ग यूज करते हैं ठीक है सी प्लस प्लस में सी में यहाँ पे लॉन्ग ये चल रहा है तो आठ बाइट्स का मतलब है यार हम बहुत सिग्निफिकेंटली ज्यादा फोर इंटू सॉरी एट इंटू एट यानी कि सिक्सटी फोर बिट्स यानी कि टू रिस्ट टू पावर चौंसठ नंबर स्टोर कर सकते हैं हम चौंसठ ऑप्शन हैं हमारे पास अब टू रेस्ट पावर थर्टी टू और टू रेस्ट पावर सिक्सटी फोर में डबल का फर्क नहीं है थोड़ी सी मैथ्स लगाओ बहुत बहुत गुना ज़्यादा है ये नंबर ये तो हद से ज़्यादा बड़ा है तो इसलिए लॉन्ग की हमारी रेंज हो जाती है यहाँ पे माइनस टू रेस्ट पावर बत्तीस से लेकर टू रेस्ट पावर बत्तीस माइनस वन ठीक है तो ऐसा सीन होता है इधर आ जाते हैं वापस से अब देखो इसको इस्तेमाल करने के लिए अगेन ये मेरा काम तो चल रहा है जो इंट मैक्स है ना यार यहाँ पे ये हमारा ये आंसर ला दे रहा है अच्छा अगर मैं यहाँ पे लिमिट डॉट एच होता था एक्चुअली ना सी प्लस फर्स्ट में तो इस्तेमाल करना पड़ता है मैं अगर लिखूं इंक्लूड लिमिट्स डॉट एच ठीक है अब अगर मैं यहाँ पे दूसरा इंटमैक्स लिख के देखता हूँ जो मैं ये वाला कह रहा था एक बारी के लिए ना क्या पता है काम कर जाए हाँ बिल्कुल यार काम कर रहा है यार एक्चुअली ये चीज़ याद मत करना ये गलत नहीं है जो मैंने आपको बताया लेकिन ये यूज़ मत करना देखो रन करते हैं हम ऑफकोर्स सारी की सारी चीज़ें चलती है मेरे को अपना अगर एक्स ही प्रिंट करना है ठीक है इसको हटा देते हैं ये देखो तो बिल्कुल सही आ गया आंसर ठीक है

ठीक है इसलिए हमारा रह गया था वो लेकिन जो दूसरी चीज थी ना ये डबल वाला ये अभी आपने नोटिस किया होगा ये लिखने में ना एक चीज आ रही थी दिखाता हूं मैं आपको इसमें एक तो दूसरा नाम दे देते हैं इंटेक्स टू ये देखो यहाँ पे कुछ डिफाइन आ रहा है डिफाइन दिस तो बेसिकली ये एक शॉर्टकट है इसका कि जो पूरा हम यूज कर रहे हैं ना ये बिल्ट इन डिफाइन चीज है मैं आपको अभी समझाऊंगा हैश टैग डिफाइन क्या होता है हैश डिफाइन सॉरी ठीक है भाई तो ये होता है इंट अब मान लीजिए आपको ऐसे ही लिमिट्स डॉट एच किस काम के लिए आता है आपको यहाँ पे लिखना है अपना क्या यार मैं लिख देता हूँ लॉन्ग वाई इज इक्वल टू क्या इसका भी कुछ मैक्सिमम होता है हाँ तो आप यार लॉन्ग मैक्स ये देखो और एक गया ऑप्शन है हमारे पास इंट की जगह कैपिटल में लिखना है सारा लॉन्ग मैक्स अब अगर मान लो मैं इस वाई को प्रिंट कराऊँ फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज कर देते हैं यार और अब मैं प्रिंट कराता हूँ वाई को तो ये वो नंबर है अरे बाप रे कंट्रोल सी जैसे कि मैं कह रहा था सिग्निफिकेंटली बड़ा है इस लाइन में भी नहीं आ रहा है दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लॉन्ग अब इसको और इसको देखो जमीन आसमान का फर्क है ये बहुत बड़ा नंबर है इससे काफी आगे तक जा रहा है ठीक है तो लॉन्ग बहुत बड़ा डेटा टाइप होता है बहुत बढ़िया यार ये होता है यार हमारे क्या बोलते हैं इसको हम प्री प्रोसेसर और बाकी चीजें आई होप आपको ये सारी चीज़ें यार समझ आ गई होगी अभी तक हमने जो भी पढ़ा है अब आ जाते है और हैं यार मैक्रोव के ऊपर हम अब पढ़ते हैं मैक्रोव एंड मैक्रो फंक्शंस तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है वही हैश लिखा है इसको तो प्री प्रोसेसर कहते हैं पर यहाँ पे लिखा है डिफाइन फिर मैंने स्पेस दिया है फिर मैंने लिखा है पाए ठीक है और फिर एक्चुअली यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखना होता है यार ये कहाँ से ही लिख दिया हमने ये गलत है तो यहाँ पे ऐसा लिखा है डिफाइन स्पेस स्पेस ऐसे करके कुछ लिखा है तो बेसिकली हैश डिफाइन क्या होता है यार मैक्रोज होते हैं इनको हम बोलते हैं यार शॉर्टकट्स इनको हम बोलते हैं यार शॉर्टकट्स कोडिंग में ना कई जगह ऐसा होता है कि हमें बड़ी बड़ी चीजों का शॉर्टकट बना के यूज करना होता है अब आपको मैंने यार टाइप डेफ में जब आपने अगर गलती से भी ना देखा है तो देख लो वो तो बहुत जरूरी लेक्चर था स्ट्रक्चर्स के लेक्चर्स में मैंने आपको टाइप डेफ सिखाया था तो ये भी यार बेसिकली मैक्रोव का ही काम करता है काइंड kind ऑफ of, ठीक है लेकिन ये मैक्रोव थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है यहाँ पे यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ हैश डिफाइन कुछ भी और यहाँ पे एक वैल्यू तो उसकी वैल्यू बन जाती है अब इसका मैं आपको यूज समझाता हूँ जैसे पाए जो है पाए की इतनी बड़ी वैल्यू है ये तो चलते रहती है कभी ख़त्म नहीं होती नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है पाए हम कभी भी अगर मान लो हमें एरिया ऑफ अ सर्कल निकालना है तो हम तब उस समय यार 3.14 यूज कर लेते हैं पर हमें ज्यादा एक्यूरेट चाहिए होता है तो इतना यूज कर लेते हैं जैसे मेरे को यहां तक याद रहती है पाई की वैल्यू लेकिन इसके बाद तो मेरे को भी याद नहीं है कि थ्री पॉइंट ये सब भी होता है तो अगर आपको कहीं स्टोर करानी है तो क्या बार बार ये वाला नंबर लिखोगे हर जगह यार अफकोर्स आप एक काम तो कर ही सकते हो कि आप उस वेरिएबल का नाम लिख सकते हो इंट पाए सॉरी यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्लोट पाए ज इक्वल टू दिस ठीक है ये वाला नंबर एंड बाद में सिर्फ इसको यूज कर सकते हो यस yes. आप बोलोगे फिर ही क्या रह गया फिर फर्क क्या रह गया आप ये भी तो कर सकते थे ये अच्छा क्वेश्चन आया होगा आपके दिमाग में कि अगर आप लिखते हो फ्लॉट नी फ्लोट पाए एक वेरिएबल ही बना दिया मैंने इज इक्वल टू थ्री पॉइंट वन फोर वन फाइव नाइन टू सिक्स फाइव थ्री फाइव नाइन और फिर बार बार इसको यूज करो तो यही यह यूज होगा हाँ ट्रू बिलकुल होता क्या है कभी कभी हमें अपना वेरिएबल री करना होता है प्रोग्राम्स के अंदर ऐसा होगा कि हमें अपना करना पड़ता है तो उसमें हम क्या करेंगे? हमने है, मतलब, sorry, है, इसका काम होता है का, कि ये अब मैं जब भी प्रोग्राम में कहीं पे भी पाई को यूज करूंगा तो पाई का मतलब ये होगा सीधा ठीक है करके दिखाता हूँ आपको और, और भी इसका मीनिंग समझाऊंगा अभी भी आपको थोड़ा सा हो सकता है मज़ा ना आ रहा हो इस टाइप डेफ वाली चीज़ में मेरे को भी नहीं आता इतना तो मैक्रोज में आएम सॉरी मैं बार बार टाइप डेफ बोल रहा हूँ एक ही जैसी चीज़ है तो एक बार यहाँ पे लिख देते हैं ठीक है भाई इसको भी हटा देते हैं खुद ही लिख लेता वैसे तो सारा अब ये देखिए अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे हैश डिफाइन ठीक है आए और यहाँ पे वैल्यू दे दूँ मैं अपनी वही थ्री पॉइंट वन फोर ऐसे देना होता है सिर्फ स्पेस देखे हैश डिफ़ाइन स्पेस स्पेस अगर यहाँ पे लिख 3.1415 थ्री पॉइंट वन फोर वन फाइव और नाइन टू फिर आ गया हमारा सिक्स फाइव फिर आ गया हमारा थ्री फाइव और फिर नाइन ठीक है यार तो अब अगर मैं यहाँ पे इवन प्रिंट एफ़ भी करूँगा अभी प्रिंट एफ़ और यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या परसेंटेज एफ़ और पाए तो क्या ये चीज़ होगी प्रिंट करके देखते हैं यार बिल्कुल हो गया देखो पाई की वैल्यू लेकिन इतनी ही आई क्यों क्योंकि जो हमारा फ्लोट होता है फ्लोट में भी अगर आपको नहीं पता हो तो देखो एक दो तीन चार पाँच छः एक्चुअली ऐसा होता है कि फ्लोट भी हमारा सिक्स डेसिमल प्लेसेस तक ही इसके बस की होती है वैल्यूज़ को स्टोर करना लेकिन हमारे पास एक और डेटा टाइप होता है यहाँ पे कौन सा जिसको हम कहते हैं डबल अगर मैं परसेंटेज एफ़ की जगह परसेंटेज एफ बेसिकली क्या होता है यार वो तो फ़्लोट होता है अगर मैं डबल की बात करूँ ठीक है डबल के लिए हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर शायद कुछ और होता है उसको ढूंढते हैं मैं अगर लिखूँगा डबल x इज़ इक्वल टू फॉर एग्ज़ाम्पल ये बड़ी सी वैल्यू तो और फिर अगर मैं इस x को प्रिंट करा दूँ ठीक है यहाँ पे आ जाएगा यार क्या एरर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो एक बार देख लेते हैं रन करते हैं तो गैस यार यहाँ पे अगर आपको मेरे को याद आया कि छः से ज़्यादा अगर आपको डेसिमल करने हैं ना टेक्निकली स्पीकिंग जो डबल है वो ऑफकोर्स ज़्यादा रख सकता है ऐसा नहीं है कि छः ही रख रहा है फ्लोट की तरह आपको यहाँ पे एल की जगह अगर आप लिखते हो पॉइंट टेन एफ ठीक है ध्यान देना पॉइंट टेन तो ये दस डेसिमल प्लेसेस दे देगा इसका ये मतलब होता है आप देख सकते हो कितने डेसिमल प्लेसेस है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस अब इस केस में हमारे पास थे कितने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह तो अगर मैं इलेवन लिखूंगा तो मेरा पूरा नंबर आ जाएगा मैं रन करता हूँ देखो पूरा नाइन्थ तक आ गया अच्छा अगर मैं यहाँ पे एलेवन की जगह सौ कर दूँ तो क्या होगा तो आप देख सकते हो सच्ची में यार आपके सौ जीरोज़ आ गए यहाँ पे ठीक है वही हुआ थ्री पॉइंट वन फोर वन फाइव लेकिन आगे के मेरे यार ज़ीरोज़ आ गए हैं लेकिन आप देखोगे कुछ इशूज़ आ रहे हैं यहाँ पे इतने ये का इलेवन तक तो यहाँ था फिर ये ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन तक हो रहा है हमारा काम ठीक है सिक्सटी के बाद अजीब सी वैल्यूज़ आने लग गई यार इनका कोई लेना देना नहीं है जीरो ही होना चाहिए ना जब हमने तो यही नंबर स्टोर किया है इसका मतलब होता है कि इसके आगे ज़ीरो जीरो ज़ीरो हो अच्छा तो अगर मैं सिक्सटीन करूँ सिक्सटीन में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी सिक्सटीन में भी जीरो वन आ गया तो अगर मैं लास्ट फिफ्टीन तक करूँ एक्चुअली फिफ्टीन ही होती है क्योंकि इसकी ये देखिए तो जो डबल होता है यार मेरा डबल पंद्रह डेसिमल प्लेसेस तक हमें खींच के लेके जा सकता है यहाँ पे ठीक है डबल फिफ्टीन डेसिमल प्लेसेस अगर आपको और बड़ी चीज़ चाहिए तो आप ना लॉन्ग डबल का इस्तेमाल कर सकते हो अगर मैं लिखूँ लॉन्ग डबल और यहाँ पे अगर सेवनटीन भी लिखूँ तो आप देखोगे कि बाद में आया हमारा आ तो गया अच्छा मैंने फॉर्मोलेट गलत लिखा है ठीक है लॉन्ग डबल का फॉर्मेट होता है कैपिटल एल एफ ठीक है तो ये देखो इसमें भी गार्बेज वैल्यू तो आ ही रही है एट एंड फॉर सम रीजन ठीक है आनी तो नहीं चाहिए या तो ये कुछ रखते होंगे रूल कि एक दो तीन चार पाँच ही जीरो आते हैं ठीक है जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ट्वेंटी हाँ तो देखो अजीब अजीब से नंबर तो हमारे आ ही रहे हैं राइट है। तो अवॉइड ही करना है इसको क्यों ही हम आगे के नंबर्स प्रिंट कराएं मीनिंग बताने का यही था कि आपको अगर ज्यादा छः से ज्यादा डेसिमल प्लेसेस प्रिंट करने हैं तो आप ये यूज करें करें जितना भी आपको डेसिमल चाहिए जैसे यहाँ पे इलेवन चाहिए मेरे को यार तो मैं ग्यारह यूज करके ये चीज़ प्रिंट करा दूंगा अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट ये था कि क्या ये डिफाइन यही काम करता है ये तो फालतू की चीज़ है ये तो हम वैसे भी लिख सकते थे कैसे हम यही की यहीं नहीं लिख देते यही जो हमने कर रखा है डबल पाए और हर वक्त पाए को प्रिंट कर दो तो इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है हैशटैग डिफाइन की ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और अब अब बात करते हैं हम अपने मैक्रो फंक्शंस के बारे में अब मान लीजिए यार आपको एक फंक्शन बनाना है फंक्शन बनाना है जो सर्कल का एरिया कैलकुलेट करके दे दे यूजिंग अ पैरामीटर रेडियस तो आप यार वैसे भी बना सकते हो ठीक है मान लीजिए इधर आ जाते हैं हम इसको इसको हटा देते हैं थोड़ा सा हमें सर्कल का एरिया निकालना है फंक्शंस के थ्रू तो हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि एरिया रिटर्न करेगा तो एरिया हो सकता है फ्लोट में हो तो हम लिख देंगे फ्लोट एरिया जो कि एक रेडियस एक्सेप्ट करेगा वो भी हम फ्लोट में ही लिख देते हैं फ्लोट रेडियस आर से ये रिटर्न क्या करेगा आप सिंपली एक ही लाइन में लिख सकते हो कि भाई रिटर्न पाई आर स्क्वायर ठीक है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इनफैक्ट पाई जो हमने ऊपर यूज कर रखा है ठीक है देखो ये काम आ जाता है इसका कि आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो इस वेरिएबल को इनफैक्ट दिस इज़ अ ग्लोबल वेरिएबल मतलब आप मेन के अंदर या किसी और फंक्शन के अंदर हर जगह इसकी वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है ये एक और बेनिफिट तो पाई इंटू आर इंटू आर आप सीधा रिटर्न करो ये एरिया है तो अगर मान लो आपको कभी भी प्रिंट करना है मान लीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट एफ़ सीधा और आपको एरिया प्रिंट करना है इस चीज़ का इसका प्रिंट एफ यहाँ लिख देता हूँ परसेंटेज एफ़ और यहाँ पे हम लिख देते हैं एरिया एरिया एक फंक्शन है क्योंकि रेडियस को एक्सेप्ट करता है मैं कहता हूँ फाइव रेडियस के सर्कल का एरिया प्रिंट करा के दिखा तो कर देगा ये देखो कर दिया एटी बिल्कुल सही आया है अगर मैं टेन करूँ तो थ्री समथिंग आ जाएगा ये देखो ठीक है वापस रन करते हैं यार तो ये देखो थ्री वन फोर ये बिल्कुल सही अब यहाँ पे मैक्रो फंक्शन बस क्या करता है ये जो मैंने तीन लाइनें लिखी है ना यार इन तीन लाइनों को वो एक लाइन बना सकता है तो इतना सा डिफरेंस है बस हमारा एक जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो मैं डिफाइन कर सकता हूँ सीधा एरिया अपना ऐसे एक में रेडियस और यहाँ पे अपना जो भी मेरे को फंक्शन तो अगर मेरे को छोटा सा फंक्शन बनाना है जिसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं तीन लाइनें लिखूं बस मेरे को एक ही चीज़ रिटर्न करनी है सिंपली ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं करना तो मैं, मैं मैक्रो फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ इसका बस ये काम है डिफाइन एक ब्रैकेट दे दो यहाँ पे लिख दो अपना यार जो भी आप वैल्यू मिलेगी सबसे पहले यहाँ पे ये चीज लिख दो यार एरिया वही जैसे फंक्शन में नहीं होता फंक्शन आर्ग्यूमेंट पर यहाँ पे आपको इसका आर का ना अच्छी बात क्या है कि आपको यहाँ पे वो स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है इसका डेटा टाइप जैसे यहाँ पे लिखते हैं ना फ्लोट आर आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे भी फ्लोट लिखते हैं कि रिटर्न टाइप क्या है हमारा फिर आर्ग्यूमेंट का टाइप क्या है ठीक है यहाँ जरूरत नहीं है और फिर आप यहाँ पे लिख दो इसका क्या कहते हैं फंक्शन जो कि रिटर्न क्या करेगा बेसिकली तो आर इन आर ठीक है और अच्छा हाँ, हाँ हैश डिफाइन जब आप कर रहे हो तो यहाँ पे ये भी नहीं लगाते आप ठीक है क्योंकि हैश वाले में नहीं लगाते यूजुअली अब मैं रन करता हूँ तो देखो सेम आंसर आ जाएगा अब ये वाला एरिया इसको वो कर रहा है ठीक है समझ रहे हो तो मैं करो फंक्शन कहते हैं इसको आगे बढ़ते हैं ये तो छोटी सी चीजें थी अब अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं ये इतना काम का है नहीं अगला टॉपिक है हमारा स्विच स्टेटमेंट जो कि और भी ज्यादा हमारा यूजलेस है यहाँ पे और भी ज्यादा यूजलेस है बट कभी कभी हो सकता है एग्जाम में लिख दे कि यार स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके ही कैलकुलेटर को बनाओ ठीक है तो स्विच स्टेटमेंट होता क्या है इट इज एन ऑल्टरनेट इट इज एन ऑल्टरनेट टू इफ एल्स

केस दूसरा केस तीसरा के फिर डिफॉल्ट केस ठीक है और फिर इस हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल सीधा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट वीक नंबर वन टू सेवन एंड प्रिंट डे ऑफ वीक यूजिंग स्विच केस ये बेसिकली मान लो आप ऐसा भी कर सकते थे अगर आप कोड में सिर्फ ये लिखो इंट एन सी इन एन हम क्या रखेंगे हम अपना वीक नंबर नहीं यार डे नंबर हाँ वन टू सेवन जो होता है यानी कि वन अगर प्रिंट हो तो मंडे प्रिंट हो जाए ऐसा हो टू हो तो ट्यूजडे तो हम इफ से भी कोड बना सकते हैं इंट एन मैं कहता हूँ स्कैन ले सकता हूँ मैं इसकी वैल्यू ले लूँगा स्कैन परसेंटेज डी स्कैन परसेंटेज डी एंड एन मैंने इनपुट ले लिया नंबर और फिर सीधा मैं इफ एल्स कंडीशन लगा सकता हूँ एक ही बारी में हो सकती है एफ एल्स करके मैं सीधा लिख दूंगा अगर एन वन के बराबर है तो यहाँ पे प्रिंट एफ प्रिंट एफ मंडे ठीक है फिर सिमिलरली यार एल सेफ एन इज इक्वल टू टू थ्री फोर इफ़ एल से तो मैं क्वेश्चन कर ही सकता हूँ अब मैं आपको दूसरे तरीके से करके दिखाने वाला हूँ जो कि हमारा स्विच केच स्टेटमेंट है इससे करूंगा क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आ जाते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पे और एक नई फाइल क्रिएट करते हैं इस फाइल का हम नाम दे देते हैं यार स्विच स्टेटमेंट डॉट सी एंड यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना इंक्लूड एस टी डी ओ डॉट एच इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा हेडर फाइल नहीं डालनी ठीक है सीधा लिखो इंट मेन एंड यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं जो कि हम इनपुट लेंगे उस हिसाब से हमारा वीक नंबर प्रिंट हो जाएगा तो मैं लिखता हूँ इंट एन सबसे पहले लिख देते हैं प्रिंट एफ एंटर वीक नंबर सॉरी एंटर डे एंटर डे नंबर होना चाहिए ठीक है वन से लेकर सेवन लिख भी देता हूँ ऐसे वन टू तो सेवन ब्रैकेट में और थोड़ा तो गैप दे देते हैं एंड यहाँ पे फिर स्कैन एफ़ कर लेते हैं इनपुट ले लेते हैं परसेंटेज डी में और यहाँ पे लिख देते हैं एंड ठीक है ये तो हमने इनपुट ले लिया अब अकॉर्डिंगली हमें सारी चीजें प्रिंट करानी है तो एक तरीका वही है एक्सएल्स के थ्रू आप कर सकते हो अब स्विच ऐसे चलता है आप लिखते हो स्विच ठीक है अपने आप ही सारी चीज़ें आ गई वैसे तो ब्रेक भी आ गया लेकिन मैं ऐसे नहीं लिखना चाहता था मैं खुद से लिखूंगा देखो आप लिखोगे स्विच अंदर आप यार क्या डालते हो वो चीज़ डालोगे जिसके अकॉर्डिंग आपको कंडीशन सेट करनी है जैसे अभी हम इंटीजर की बात कर रहे हैं इंटीजर के अकॉर्डिंग कंडीशन सेट हो गई कि इंटीजर वन है या सेवन है या टू है या थ्री है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे यार अपना जो भी नंबर है एन ठीक है लिख दो स्विच एन सिर्फ इतना सा और कुछ नहीं क्योंकि अभी इसकी बात हो रही है इसके ऊपर चीजें होगी देखो ब्लू भी हो गया है जो भी इंटीजर है अब यहाँ पे आपको लिखना है केस ठीक है केस ध्यान देना बड़े गौर से इस केस में क्या होगा केस लिखो वन समझना इसका मतलब क्या है यहां पे दे दो कोलन ठीक है और इसकी अगली लाइन में आपको क्या लिखना है अगली लाइन में आपको लिखना है प्रिंटेफ प्रिंट एफ और यहाँ पे कर दो आप अपना मंडे ठीक है सिमिलरली आपको आगे आगे करके क्या चीज़ें करनी है आपको समझाता हूँ यहाँ पे केस वन मंडे और इंडेंटेशन दे दिया करो थोड़ा अच्छा लगता है इसी को कॉपी पेस्ट करो ठीक है सात बार कॉपी पेस्ट कर दो इसी चीज़ को इनफैक्ट एक काम करते हैं यार ऐसे नहीं इसको कर लेते हैं कॉपी पेस्ट तो कंट्रोल सी फिर एक दो तीन चार पाँच छः ठीक है यहाँ पे लिख दो यार ट्यूजडे अब आप एक एक करके सारी चीज़ें समझ जाओगे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टू यहाँ पे लिख रहा हूँ केस थ्री यहाँ पे लिख रहा हूँ वेडनेस डे ठीक है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ केस फोर यहाँ पे लिख रहा हूँ थर्स डे ठीक है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ केस फाइव यहाँ पे लिख रहा हूँ केस सिक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ केस सेवन पहली बात ये जो वन टू थ्री है ज़रूरी नहीं है कि मैं इनको ऑर्डर में लिखूँ ठीक है वन मेरा एन की वैल्यू है फोर मेरी क्या है यहाँ पे एन की वैल्यू है सिक्स क्या एन की वैल्यू तो अगर एन मेरा सिक्स होता है तो ये प्रिंट हो जाएगा समझ रहे हो थोड़ा बहुत इफ एन स्टेटमेंट जैसा ये एक ही उसमें है बट यहाँ पे लिखूंगा मैं फ्राइडे अगर सिक्स हुआ तो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ यहाँ पे यार सैटरडे अगर यहाँ पे सेवन प्रिंट हुआ मैं मैं चाहता हूँ संडे अब एक डिफॉल्ट केस भी होता है डिफ़ॉल्ट का मतलब जब कुछ ना चले तो डिफ़ॉल्ट केस मेरा क्या कहता है डिफॉल्ट केस मेरा कहता है यहाँ पे मैं कुछ और प्रिंट करा देता हूँ जैसे मैं प्रिंट करा देता हूँ कि इनवैलिड इन मैं यहाँ पे सीधा लिख लेता हूँ यार ठीक है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी कि भाई ये लिखेगा यार प्रिंट इन वैलिड इन वैलिड नंबर एक बार कोड को रन करके देखते हैं फिर देखिए क्या होता है एक इशू आएगा सबसे पहले तो यहाँ पे ठीक है इधर आ जाते हैं रन करते हैं तो जैसे मैंने रन किया लिखा आ गया एंटर डे नंबर वन से लेकर सेवन मैं लिखता हूँ टू तो क्या आ गया ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे इन नंबर मंडे नहीं आया क्यों मेरे को सिर्फ ट्यूसडे चाहिए था अब मैं वापस रन करता हूं मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेवन संडे इनवैलिड नंबर तो ये क्या काम हो रहा है अब यहाँ पे हम यार ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं ब्रेक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने किस में यार फॉर फॉलूप्स में तो आप हर केस के बाद एक ब्रेक लगाते हो होता क्या है मैं आप सबको समझाता हूँ कि इस कोड में क्या हुआ मान लो मैंने ब्रेक नहीं लगाया मैं वापस रन करता हूँ और मैं वन लिखता हूँ एक तो मैं ना इन सब के आगे ना एक बैक स्लैश एन भी दे देता हूँ ताकि ये तो यार एक चीज रहे हमारी ठीक है बैक साइजन की जरूरत तो नहीं है लेकिन चलो कोई नहीं बस आपको दिखाने के लिए कर लेते हैं यार ये चीज़ भी एंटर दे देता हूँ मैं आपको समझाता हूँ कि हो क्या रहा है ठीक है अब यहाँ देखिए मैंने रन किया वापस लिखता हूँ एक बार मैंने रन किया मैंने नंबर दिया वन तो मंडे से लेकर सारे प्रिंट हो गए ये इसलिए हुआ जब मैंने अपना नंबर लिखा वन तो स्विच में एन की वैल्यू वन हुई तो उसने देखा क्या ये वन है हाँ तो इसके नीचे के सारी चीज़ें प्रिंट कर दो क्योंकि ये ख़त्म नहीं हुआ है अभी सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल फोर तो फोर जो वीक है उसके नीचे का सब प्रिंट हो जाएगा देखो थर्सडे फ्राइडे उससे ऊपर का नहीं क्योंकि चेक हुआ सबसे पहले क्या वन फोर है नहीं टू भी फोर के बराबर नहीं है थ्री भी नहीं है फोर है हाँ अब नीचे का सब प्रिंट कर दो उस चीज़ को रोकने के लिए हमें ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करने का सबके बाद करना पड़ेगा ठीक है जैसे कि ये देखिए इसको इंडेंटेशन दे देता हूँ यहाँ पे हम लगा देते हैं ब्रेक ठीक है अब यहाँ पे भी देखो हम ये लगा देंगे एक काम करते हैं थोड़ा सा इसको सुंदर बना देते हैं यार थोड़ा सा सुंदर ये आपको समझ आएगा ताकि सारे केसेस अलग अलग दिखेंगे आपको अब ठीक है तो ये करना भी यार सही रहता है ज़्यादा इंडेंटेशंस देना हमेशा अच्छा होता है ठीक है क्या ऐसा कह रहे हो क्या कमेंट में इंडेंटेशन का मतलब ही नहीं पता तुम्हें ठीक है यहाँ पे भी लिख देते हैं ब्रेक अब देखना ब्रेक से क्या होगा यार ब्रेक से क्या होगा जब इस केस का काम हो जाएगा किसी पर्टिकुलर केस का तो ये स्विच स्टेटमेंट को यार निपटा देगा फिर वो आगे ज़्यादा सोचेगा नहीं एंड इसके बाद ब्रेक लिखने की ज़रूरत होती नहीं क्योंकि लास्ट होता है तो ये देखिए रन करता हूँ मैं लिखता हूँ वन तो मंडे ठीक है इफ एल्स की तरह ही है बस बेकार है थोड़ा ट्यू का मतलब ट्यूजडे है मैं लिखता हूँ यहाँ पे यार सौ इनवैलिड नंबर ठीक है तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल चल रही है इसको कहते हैं स्विच केस एक और चीज़ अगर मैं इस केस थ्री को हटा के केस फाइव के बाद भी लिख दूँ ना सॉरी यहाँ पे नहीं पूरे केस फाइव के बाद भी लिख दूँ इधर देखो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी मैं रन करता हूँ मैं लिखता हूँ केस थ्री तो वेडनसडे ही प्रिंट होगा ठीक है तो ऐसा नहीं है कि वन से लेकर मेरे को सेवन तक ऑर्डर में लिखना है ये जो नंबर है ना इसका मतलब ये 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 नहीं नहीं है फर्स्ट केस केस नंबर बेसिकली बस एन की वैल्यू है हमारी ठीक है तो सिमिलरली आप यहाँ पे स्विच के अंदर जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इंटीजर एक्सप्रेशन दो यहाँ पे कैरेक्टर भी दे सकते हो इनफैक्ट हम कंडीशन भी दे सकते हैं और जो इसका इतना इस्तेमाल नहीं आएगा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सीधा ठीक है यही क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंस रखता है राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ कैलकुलेटर दैट परफॉर्म्स बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन एड सप्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड यूजिंग स्विच केस एंड फंक्शन द इसकी भी जरूरत नहीं है इनफैक्ट हमें ठीक है द कैलकुलेटर शुड इनपुट टू नंबर दें ऑपरेटर फ्रॉम यूजर मतलब सबसे पहले आपको एक बेसिक सस्ता कैलकुलेटर बना के दिखाता हूँ एफ एल स्टेटमेंट से ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं कैलकुलेटर डॉट सी ये मैं आपको एफ एल से करके दिखाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कैलकुलेटर का यहाँ पे मीनिंग है वैसे तो बहुत ही सिंपल मीनिंग है प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई को यूज करें तो एस टी डी ओ डॉट एच यहां पर हम ना तीन नंबर लेंगे यूजर से कैलकुलेटर का सिर्फ ये मतलब होगा पहला दूसरा तीसरा और मैं आपको कुछ ऐसा कोड अभी करके दिखाऊंगा जिसमें ना मजा आए विजुअली हमें ठीक है तो हम तीन चीजें ले, ले लेते हैं सबसे पहले हम लिखते हैं इंट ए हम इसको स्कैन ले लेंगे मैं आपको समझाता हूँ मैं करने के वाला हूँ कुछ प्रिंट नहीं करेंगे हम सीधा स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड ए सिमिलरली ऐसी तीन चीजें करेंगे हम कंट्रोल सी वी वी इतना नहीं फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या सी एच इस कैरेक्टर को इनपुट ले लेते हैं हम समझना अभी बस थोड़ा सा बरत के रखो सही हम बरतो एक मिनट बस ठीक है फिर इंट बी एंड बी मैंने तीन चीज़ों की इनपुट ले ली अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या करूँगा बड़े गौर से देखना इफ ठीक है अगर मेरा कैरेक्टर कैरेक्टर मेरा ऑपरेटर है ठीक है दिस विल बी योर ऑपरेटर यानी कि ये प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है ठीक है ये डिवाइड हो सकता है और ये हमारा क्या हो सकता है यार यहाँ पे मल्टीप्लाई तो अगर मेरा कैरेक्टर की वैल्यू हमने जो दी है यूजर से इनपुट लेके वो है मेरी प्लस तो सिंपल से एक काम करो यार क्या तो बस एक सिंपल सा ये वाला काम कर दो कि प्रिंट बहुत सिंपल प्रिंट हमें लिखना है यहाँ परसेंटेज डी परसेंटेज डी ए प्लस बी क्योंकि प्लस है तो हमें ए और बी को प्लस करना है ए हमारा नंबर है बी भी नंबर है और ये बीच का ऑपरेशन है ठीक है सिमिलरली ऐसे ही आप चार चीज़ें लगा दो ठीक है यहाँ पे ठीक है एक मिनट यार कॉपी पेस्ट यहाँ लिख देते हैं ये अगर करेक्टर मेरा माइनस है तो ए माइनस बी रिटर्न कर दो अगर करेक्टर मेरा मल्टीप्लाई है तो ए मल्टीप्लाइड बाई बी रिटर्न कर दो अगर करेक्टर मेरा डिवाइड है तो ए डिवाइड बाय बी रिटर्न कर दो लेकिन अगर आपको डेसिमल में नंबर चाहिए तो आप यहाँ पे यार मेक श्योर sure करो एक चीज़ कर लेना क्योंकि ए मेरा इंटीजर है बी भी इंटीजर है तो अग, इवन अगर मैं यहाँ परसेंटेज एफ़ लगाऊंगा तो आंसर मेरा गलत आ जाएगा ये सारी चीज़ें हम लेक्चर वन में पढ़ चुके हैं बाय इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर इंटीजर ही देगा तो उसको फ्लोट में करने के लिए अगर ये डिवाइड हो रहा है ना तो सिंपल आप टाइप कास्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो या फिर आप सिंपल ये भी कर सकते हो सिर्फ ए के लिए ए की जगह आप लिख दो ऐसे ब्रैकेट में लिखो फ्लोट ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी ठीक है तो ऐसे में हमारा काम बन जाएगा अब एक बार रन करते हैं अब मैं मैं समझाता हूं, कर क्या रहे रहे हम रन किया यहां अगर सिंपल लिख दूं, 2 9, 11 आ गया समझ हो ये मेरा कैलकुलेटर है ये मैं चाह रहा था मैं लिखता हूं टू डिड बाई थ्री आंसर आ गया मैं कुछ भी लिखू यहाँ काम हो जाएगा मैं यहां लिख दू फाइव प्लस एट आंसर आ गया लेकिन ये एक बेसिक कैलकुलेटर है जो कि टू ऑपर आप ऑपरेंट ये हमारे ऑपरेंट होते हैं जिस इज ऑपरेंट टर ठीक है इसको ये लिखते हैं ऑपरेंट ठीक है एंड दिस इज ऑपरेटर तो हम ऐसा ही कोड बना रहे हैं अगर मैं रन करके ये लिखू ना यार थ्री प्लस नाइन फिर प्लस एट तो ये काम नहीं देगा मेरे को सिर्फ स्टार्टिंग का दे देगा ठीक है तो इतना हैवी कैलकुलेटर हम नहीं बना रहे तो आपने देखा मैंने इफ एल से ये किया अब बस मेरे को इसको क्या करना है इसको स्विच स्टेटमेंट से करना है तो कर लेते हैं इसको हटा देते हैं यार ठीक है हटानी इसको वो दे देते हैं ये कर देते हैं राइट स्विच से आप क्या करोगे यार स्विच में आप क्या रखोगे एक ही चीज रख सकते हो आप स्विच में वही कंडीशन रखोगे कौन सी आप लिखोगे स्विच आप लिखोगे स्विच यहां पे आप उस सी एच को दे दो कैरेक्टर को ठीक है क्यों क्योंकि उसी के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट था सी एच सी एच इफ की कंडीशन में भी वही था ना यार तो यहाँ पे लिख दो यार स्विच सी एच अब यहाँ पे चार केसेस बना दो लेकिन अब अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा स्विच स्टेटमेंट का फंडा मैं यहाँ पे केस वन नहीं लिखूंगा कैरेक्टर की वो वैल्यू लिखता हूँ मैं लिखूंगा केस कैरेक्टर में अगर मैं ऐसे लिखूं प्लस ये समझ रहे हो यार तो ये सिंटैक्स है स्विच केस का अब आपको चीजें यार समझ आ रही होगी अगर मेरा प्लस है ये तो एक काम करो यार ये प्रिंट कर दो फिर ऑफ कोर्स ब्रेक भी लगा दोगे आप अब सिमिलरली आप बाकी में क्या लिखोगे यहां पे केस टू नहीं लिखोगे आप लिखोगे केस माइनस ठीक है सेम चीज यहां पे भी आपको क्या करनी है आप प्रिंट करा दो अपना ये ए माइनस बी प्रिंट करा दो ए माइनस बी और फिर ब्रेक देना ज़रूरी है फिर आप वापस से आओ यहाँ पे यार दोनों चीज़ों को कॉपी पेश कर लेते हैं यार क्यों मेहनत करें और अपने केसेस बदल लेते हैं अगर मेरा मल्टीप्लिकेशन है तो ए इंटू बी रिटर्न करो अगर मेरा डिवीजन है तो ए डिवाइडेड बाय बी रिटर्न करो बस यहाँ पर टाइपकास्ट कर दो यार यहाँ पे लिख दो यार फ्लोट ऑफ ए ठीक है मैं ए को बना रहा हूँ एक फ्लोट ताकि आंसर सही आ जाए अब रन करता हूँ सेम चीज़ होगी यार देखो भले ही अच्छा परसेंटेज डी ओने कर दिया रॉन्ग है वापस से रन करते हैं ठीक है

कि अगर इनमें से कोई भी नहीं आता वो कैरेक्टर कभी हो सकता है हमको गलत सा ऑपरेशन दे दे ठीक है तो डिफॉल्ट में आप कर सकते हो प्रिंट एफ रॉन्ग ऑपरेटर रॉन्ग रॉन्ग ऑपरेटर या इनवैलिड ऑपरेटर ठीक है इन वैलिड ऑपरेटर ठीक है जैसे कि रन करके देखते हैं मैंने रन किया और मैं कुछ ऐसा रहा हूं फोर ब्रैकेट एट तो ये इनवैलिड है ये ब्रैकेट कोई ऐसा सच कुछ है नहीं ठीक है तो ये चार ही हमारे वैलिड है इन चारों के अलावा आप कुछ भी करते हो इन वैलिड लिखा आ जाएगा आई होप यार ये चीज आपको समझ आ गई होगी आगे बढ़ते हैं कुछ नहीं है ये बहुत सिंपल है दिस इज वेरी 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 सिंपल ठीक है आगे बढ़ते हैं अब हम पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक जो कि है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या है यार डायनामिक मेमोरी एलोकेशन वैसे यार ये टेक्निकली स्पीकिंग आपकी कोडिंग जर्नी में कभी भी रुकावट नहीं बनने वाली और ये इतना काम नहीं आता अगेन आज मैं इसलिए वही सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ जो यूजलेस है ठीक है बट फिर भी इसका थोड़ा मीनिंग आपको समझा देता हूँ कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होती है आगे बढ़ते हैं ये अब थ्योरेटिकल चीज़ें हैं तो मेरे साथ थोड़ा यहाँ पे बने रहना अब मैं ज्यादा आईपैड भी दिखाऊंगा कोडिंग स्क्रीन पर भी आऊंगा थोड़ी देर में पहले अपनी मेमरी लेआउट को समझ लेते हैं थोड़ा सा यार तो ऐसा होता है यार हमारे पास ना यार एक तो होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन यहाँ होती है डायनामिक यहाँ होती है समझाऊंगा आपको यह है क्या ठीक है हमारी दो तरीके की मेमोरी होती है स्टाक्स में होती है एक होती है हीप में होती है हमारी मेमोरी ठीक है एक होती है हमारी हीप में मेमोरी होती है अब होता क्या है यहाँ पे यार ये जो हमारा डेटा सेक्शन है टेक्स सेक्शन है ये स्टैटिकली एलोकेट होता है और कुछ हमारी ऐसी फ्री मेमोरी होती है जो कि हीप के अंदर होती है हीप बेसिकली आप कह सकते हो यार एक डेटा स्ट्रक्चर भी आप पढ़ोगे बाद में प्रायोरिटी की होता है वैसे वो हीप नहीं होता लेकिन हाँ इससे ज्यादा यार आपको तब समझ आएगा ये चीज़ आपको समझ नहीं आएगी अभी इतनी इससे बेटर ये है कि हम स्टैटिक स्टार्टिंग पे आ जाते हैं देखो तो स्टैटिक का सिंपल मतलब होता है जो कि कंपाइल टाइम में मेमोरी होती है उसको हम कहते हैं ठीक है इट मींस द मेमोरी व्हिच इज एलोकेटेड ड्यूरिंग कंपाइल टाइम क्या मतलब है इसका इसका यह मतलब है कि जब मैं कंपाइलेशन आपको आई होप आप थोड़ा सा पता हो क्या होता है नहीं पता तो एक बार मीनिंग बता देता हूँ आप सबसे पहले यार अपना कोड लिखते हो यू राइट योर कोड ठीक है राइट योर कोड कोड ऑन वी एस कोड या फिर कुछ भी

ठीक है तो ये मिन जी डब्ल्यू वाली चीज़ है कंपाइल करता है कंपाइल क्यों करता है यार क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो सिर्फ जीरोज एंड वंस समझता है वो ये नहीं समझता कि इंट ए इंट बी ये सब क्या होता है ना तो कंपाइलर इन सबको एक्चुअली में कंप्यूटर के लायक एक कोड बना देती है ठीक है यूजिंग ऑफकोर्स अपनी शक्ति जो भी है कंपाइलर लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज को तो जैसे सी लैंग्वेज का अलग कंपाइलर होगा जावा का जावा के लिए हमें जे डी के डाउनलोड करना पड़ता है कंपाइल होने के बाद हमारा प्रोग्राम हम क्या करते हैं रन तो जब हम रन बटन दबाते हैं ना अपना कोड रनर वाला जो है तो सबसे पहले यार वो कंपाइल करेगा फिर रन करता है फिर टर्मिनल में जो चीजें हो, हो रही है वो उसको कहते हैं हम कि रन हो रही है वो चीज ठीक है तो एक चीज होती है यहाँ पे लिखा है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन वो होती है बेसिकली इट मींस द मेमोरी इज एलोकेटेड ड्यूरिंग कंपाइल टाइम ठीक है मतलब जैसे ही जैसे मान लो इधर आ जाते हैं हम थोड़ा सा ठीक है ये जो मैंने स्विच स्टेटमेंट की चीज लिखी स्विच से लेना देना नहीं है यहाँ पे लेकिन बस इस चीज को देखो यार यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं एक एक है इंट इंट ए फिर कैरेक्टर सी एच बी तो मेमोरी अपने अंदर कितने डब्बे बना रही है यार कितने डब्बे एलोकेट हो रहे हैं एक ए एक बी और एक सी एच तीन डब्बे उनमें से एक इंटीजर का डब्बा है जो कि चार बाइट्स ऑक्यूपाई करता है एक ये इंटीजर का एक और डब्बा है चार बाइट्स ऑक्यूपाई करता है कैरेक्टर एक बाइट ऑक्यूपाई करता है तो टोटल टोटल जो प्रोग्राम है जिसमें हम स्टोरेज यूज कर रहे हैं हम यार कुल मिला के यहाँ पे नौ बाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं बस तो ये जो नौ बाइट्स है ना ये कंपाइल टाइम के ड्यूरिंग एलोकेट हो जाएगी तो इसको हम कहते हैं स्टैटिकली एलोकेट कर रहा हूँ मैं इस सारी मेमोरी को ठीक है भाई क्योंकि यहाँ पे इतने ही डब्बे बने हैं यही हमारा सीन है मेरे को पता है हंड्रेड मैं तीन ही डब्बों का इस्तेमाल कर रहा हूँ उनसे ज्यादा कर ही नहीं रहा राइट right. अब बात करते हैं दूसरी चीज कि फिर यार ये डायनामिक क्या होता है इट मीनस द मेमरी इज एलोकेटेड ड्यूरिंग रन टाइम इसका आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल समझाता हूँ रन टाइम भी आपको सबको पता है अब रन टाइम बेसिकली क्या होता है यहाँ पे एरे के एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ ये यह। ठीक है यहाँ पे हम लिख देते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन डॉट सी और थोड़ा सा कोड लिखने लिख के स्टार्ट करते हैं इंक्लूड एस टी डी ओ डॉट एच इंट मेन अगर आपको याद हो यार यूजुअली हम एरे का साइज फिक्स देते थे लेकिन हम एरे का साइज वेरिएबल भी दे सकते हैं

चाहता हूँ अपना एरे पूरा का पूरा बनाऊँ तो क्या मैं बना सकता हूँ बिल्कुल बना सकता हूँ यूजिंग फॉर लूप्स आप लिख दोगे फॉर इंट i इज़ इक्वल टू जीरो एंड आई लेस देन एन क्योंकि लास्ट इंडेक्स मेरा n माइनस वन हो जाएगा ठीक है अगर आपको ये फ्रेंच लग रहा है इसका मतलब आपने कुछ पढ़ाई नहीं कर रखी आप एक तरीके से पहले इनपुट ले सकते हो स्कैन एफ परसेंटेज डी फिर यहाँ लिख दो एंड आई ए आर आर ऑफ आई ठीक है बाद में आप इन सारे एलिमेंट्स को प्रिंट भी करा सकते हो प्रिंट भी करा के दिखा देता हूँ आपको मैं यहाँ पे लिख देते हैं स्कैन एफ़ की जगह हम लिख देते हैं प्रिंट एफ़ परसेंटेज डी ऐसे एंड एक्स स्पेस के साथ ठीक है अब देखते हैं जैसे मैंने रन किया तो वापस रन करते हैं एक बार इनफैक्ट यहां लिख देते हैं पूरा इंट एन के बाद मैं लिख देता हूं प्रिंट एफ एंटर एंटर एरेज एंटर एरेज साइज ठीक है ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं पहले फिर भी आपको समझा रहा हूं थोड़ा अगर मैं देता हूं चार साइज का तो चार एलिमेंट्स दे दो 1 2 3 4 तो देखो प्रिंट भी हो गए ठीक है तो अब ये इस चीज को इस फिनोमिन को हम बोलते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन ऐसा क्यों क्योंकि मैंने क्या बोला पहले हम इस कोड को लिखते हैं फिर तो जैसे जब मैं रन बटन को दबाता हूं तो कोड पहले कंपाइल होता है तो एक बात बताओ जब तक रन तो यहां हो रहा है ना मेरा देखो अब जैसे ही मैं ये लिखा आ गया ना एंटर एरे साइज तो इस चीज को हम बोलते हैं रन टाइम दिस इज नॉट कंपाइल टाइम प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है कंपाइल होने के बाद ही तो जीरो वन बन में बना और यहां रन हो रहा है मेरे सामने कंप्यूटर तो रन तब करता है ना जब उसको कंपाइल्ड प्रोग्राम मिलता है तो यहाँ पे जैसे अगर मैं टू लिखू ये सारी चीजें लिखूँ राइट right? यहाँ पे जो मैं साइज दे रहा हूँ अपना टू या फोर वो रन टाइम पे दे रहा हूँ टाइम तो में नहीं बता रहा ये जो एन है मुझे अभी नहीं पता जब मैं इधर आता हूँ मैंने लिखा है इंट ए इंट बी तो इसका मतलब पता है एक वेरिएबल ले लिया एक वेरिएबल अब मैं इधर आता हूँ इस प्रोग्राम में तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ इंट एन तो हाँ इसके इसके लिए लिए एक डब्बा चार के हो गई इसके लिए कि कि हमें हमें बताना है है कि कितना कितना होगा लेकिन जब हम ना तो अभी हमें N ही नहीं पता कितना है। ये कितनी लेगा मेरी यार ये एन इंटू फोर बाइट्स एक इंटीजर चार बाइट लेता है अगर मैंने एन को सौ दे दिया एन को एक हजार दे दिया तो चार हजार बाइट ले गए तो अभी हमें नहीं पता रन टाइम के टाइम पता लग रहा है तो इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं डायनामिकली मतलब अभी ये डायनामिकली एलोकेट नहीं हो रही है ये एक प्रॉब्लम है राइट बट रन टाइम के ड्यूरिंग जो है उसको हम कहते हैं यार यहाँ पे डायनेमिक मेमरी एलोकेशन अब यहाँ पे प्रॉब्लम अभी तो नहीं हो रही आपके सामने आप ये सोच रहे कि प्रॉब्लम तो कोई नहीं हुई कोई एरर नहीं आया लेकिन कंप्यूटर यहां पे सिर्फ अज्यूम करता है जब आपने एन लिख दिया ना यार तो उसने बस अज्यूम कर लिया कि ठीक है यार मैंने कोई मेमरी ले ली होगी एन के लिए वो समझ लो एक बारी के लिए फॉर एग्जाम्पल चार हज़ार या दस हज़ार बाइट्स या कुछ ऐसा पहले से फ्री रख लेगा ताकि यूजर अपने हिसाब से एन को देख ले कि एन क्या आने वाला है लेकिन बड़े नंबर्स के लिए या कभी ना कभी ये आपको एरर दे सकता है ये आपको एरर दे सकता है क्योंकि आप इसे बता नहीं रहे कि आपको कितने साइज का एरे बनाना है कितनी बाइट्स आपको चाहिए तो इस इशू को ठीक करने के लिए हम यार डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का इस्तेमाल लेते हैं ठीक है यार यहाँ पे अभी भी जो हमारा साइज बन गया वो तो रन टाइम में लेकिन वो पहले से डिसाइडेड हो रखा था ठीक है लेकिन अब इधर अगर हम आते हैं उससे पहले थोड़ा सा स्टैक सेगमेंट को समझते हैं ठीक है यहाँ आपको आइडिया लग जाएगा थोड़ा सा कॉल स्टैक आपको मैंने सिखाया था रिकर्जन के टाइम पे ठीक है अगर मान लो मेरा ये कोड है पूरा इंट मेन एन इज इक्वल टू थ्री प्रिंट एफ एन फैक्टोरियल ऑफ एन अगर मैंने प्रिंट कर दिया जो अपने आप में एक फंक्शन है तो होगा क्या मैं जब इस लाइन पे आया इस लाइन पे आया थर्ड नंबर लाइन पे जब मैं आ गया तो फोर्थ अभी तक हुई नहीं पहले यहाँ देखो करेंटली ऑन लाइन थ्री मेन फंक्शन चला N is equal to 3, line 3. तो ये ये देखो जो कॉल स्टैक है ना मेरा कॉल तो हमेशा होता है ना फंक्शन मेन फंक्शन तो हमेशा ही कॉल होगा फिर तो उसके अंदर अगर कोई फंक्शन है या नहीं है वो अलग बात है मेन कॉल हुआ तो जैसे ही ये लोकल अपने देख रहा है ना यार ये इनके लिए जगह बना रहा है इसने देखा इंटेन टू थ्री तो मेमरी के अंदर अपनी मेमरी सेगमेंट में यहाँ पे चार बाइट एलोकेट कर दी फिर जब इस थर्ड लाइन पे आ गया तो ये आगे बढ़ा फैक्टोरियल ऑफ थ्री पे गया ये फिर ये आगे आ गया इधर आ जाता है ये देखिए अब पहले हम इस फंक्शन में आए मान लीजिए एन की जगह मैंने थ्री रिसीव किया क्या थ्री वन के बराबर है नहीं तो रिटर्न दिस थिंग तो आप देखोगे एन इज इकोल टू थ्री तो एक और चार बाइट एलोकेट हुई मेरी अभी तक कंपाइल हो रहा है ये चीज रन नहीं हो रही फिर इसने देखा क्या यार क्या कहते हैं यहाँ पे आ गए हम क्योंकि तो हमने देखो पहले से एन इजल टू थ्री दे रखा समझना इस बात को अब हम यहाँ पे तीसरी लाइन पे ये वाली तीसरी पे है। बट फिर क्या हुआ हम इधर आ गए थे फैक्टोरियल चला हमारा एन इजिकल टू थ्री पे अब ये टू पे गया वापस से ठीक है हर बार एक नया ब्लॉक क्रिएट होगा ठीक है और वो ब्लॉक कितने साइज का होगा जितने उसमें लोकल वेरिएबल्स होंगे जैसे मेन फंक्शन में एक लोकल वेरिएबल था इस फंक्शन में भी टेक्निकली स्पीकिंग ये एक वेरिएबल डेफिनेटली है जो इसके पास है इसके अंदर तो वो जगह घेरता है ये भी मैंने आपको समझाया था पॉइंटर्स के ड्यूरिंग जब हम स्वैप फंक्शन पढ़ रहे थे या इन जनरल फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि अगर मैं कोई भी फंक्शन लिखता हूँ जैसे सम ऑफ टू नंबर्स यहाँ पे मैं टू और सेवन पास करता हूँ और ऊपर सम का फंक्शन है

एस सच इतनी दिक्कत नहीं आ रही थी एरर नहीं आ रही थी बट एक बार यहाँ पे हम एक चीज पढ़ते हैं बहुत अच्छी थ्योरी लिख रखी है कि अगर हमने एन यूजर से इनपुट ले लिया और हम एन इंटीजर्स चाहते हैं बेसिकली एन साइज का एरे भी आप कह सकते हो उसको ठीक है अब स्टैक में क्या होता है इवन एरे की भी मैंने आपको मेमोरी एलोकेशन समझाई थी एरे के अंदर जितने भी हम एरे बनाते हैं मान लो सौ साइज का तो ये चार सौ बाइट्स एक साथ एलोकेट होती है मेमोरी के अंदर एड्रेस उनका कंटिन्यूस होता है कंटिन्यूस भी कहते हैं इस चीज़ को हम ठीक है कंटिन्यूस कंटिन्यूस मेमोरी में आए के साथ भी चीज़ रहती है तो कभी कभी यार ऐसा हो सकता है कि हमारी मेमोरी बहुत भरी पड़ी है आपकी रैम वो डिपेंड करता है आप क्या यूज़ कर रहे हो कंप्यूटर के अंदर आपकी रैम भरी पड़ी है या जो भी मेमोरी है वो भरी हुई है और इतना मान लो ये अगर हमारी पूरी स्टोरेज है पूरी की पूरी ये स्टोरेज है अगर ये रैम है तो आपका मान लो ये पार्ट भरा हुआ है अब आप इतना बड़ा पार्ट बनाना चाह रहे हो तो ये हो नहीं पाएगा ना यार यहाँ पे ठीक है तो उसमें आपको स्टैक ओवरफ्लो एरर भी मिलता है ऐसे केसेस में तो यहाँ पे देखो सिंस द कंपाइलर वॉज अन अवेयर ऑफ द न्यू मेमरी ठीक है एंड इट इनिशिएटेड अ स्टैक फ्रेम विदाउट विद वॉट नॉलेज इट हैड ड्यूरिंग द कंपाइल टाइम ठीक है तो कंपाइल टाइम के द्वारा जब वो देखता है ऐसा अजीब सा नंबर कि हाँ इतने मेरे को एलोकेट करने होगी तो वो गैस मार लेगा समझ लो तो अगर जो नया मेमरी है वो एक्सीड कर दे उसको जो हमने लेके रखी थी मेमरी इट विल रिजल्ट इन मेमरी एक्सीडेड ठीक है

यहां पे हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं क्या येट अनदर सेगमेंट ऑफ द मेमोरी कॉल्ड द हीप सेगमेंट ठीक है अभी तक हमने यार स्टैक की बात की थी अब हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या यार हीप सेगमेंट heap की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अब यार हीप हमारी क्या होती है यार हीप वो फ्री मेमोरी होती है हीप इज द फ्री मेमोरी विच इज अवेलेबल टू एनी सी प्रोग्राम एंड फॉर दैट मैटर सी प्लस प्लस पर्सन जावा इट इज अ लार्ज मेमोरी स्पेस अवेलेबल वेयर डायनेमिक एलोकेशन यूजुअली टेक्स प्लेस ये यूजुअली इसी के लिए होता है एक फ्री अलग से मेमोरी हम बचा के रखते हैं कीप कहते हैं उसको एज अ प्रोग्रामर इट गिव्स अ लॉट ऑफ पावर टू एलोकेट मेमरी एंड डी एलोकेट मेमरी ऑन आर ओन एंड डिपेंडिंग ऑन आर नीड्स इवन ड्यूरिंग कंपाइल टाइम रन टाइम ठीक है अब यहाँ पे कुछ देख लेते हैं ऑपरेशन फॉर डायनेमिक एलोकेशन सबसे पहले तो यार डायनेमिकली एलोकेट करके देख लेते हैं कैसे करते हैं तो इससे बचने का तरीका है कि आप ऐसे मत लिखो इसको इससे बेटर होगा आप ऐसे लिखो इंट ए आर आर एन ठीक है इंट ए आर आर एन ठीक है इज इक्वल टू न्यू के करते हैं हम इसको start, ETR, pointers and arrays मैंने समझा रखा है आपको यहां पे आप लिख दो न्यू इसका नाम ARR ही दे दो pointer, ARR equal to new size. ठीक है तो ये मेमोरी एलोकेशन हो रहा है सेम चीज चलेगी यहाँ पे भी यार तो अब ये देखते हैं कि हम डायनेमिक एलोकेशन परफॉर्म कैसे करते हैं अब यार हमारे पास ना बेसिकली चार ऑपरेशन होते हैं मैलॉक मेमोरी एलोकेशन कैलॉक होता है हमारा फिर हमारे पास होता है रियालोक एंड फ्री ठीक है अब ये जो कैलोक और मैलोक है ये दोनों एलोकेट करते हैं मेमोरी हीप के अंदर ठीक है अगर आपको रियालोकेशन करनी है जो करंट आपने एलोकेशन कर रखे है उसको बढ़ाना है उसी के अंदर तो आप रियालोकेस रियलो एलो इस्तेमाल करते हो और अगर आपको डी एलोकेशन करनी है मतलब हटानी हो मेमोरी फ्री करनी है तो एक फ्री ऑपरेशन भी होता है हमारे पास तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है हमारा आगे देखते हैं कि करते कैसे इस चीज़ को तो देखो सबसे पहले तो यार मैलॉक के बारे में देखते हैं कि मेमोरी एलोकेशन मैलॉग को इस्तेमाल कैसे करते हैं ऐसा सिंटैक्स रहता है हम हमेशा पॉइंटर्स के अंदर ही स्टोर करेंगे ये सारी चीजें ऐसा क्यों अगर मैं लिखता हूँ इंट स्टार पी टी आर इज इक्वल टू कुछ भी बेसिकली तो ये एक एड्रेस को प्रिंट कर रहा है मतलब एड्रेस को अपने पास रख रहा है किसी पर्टिकुलर ठीक है और जैसे कि हमने आर एस के अंदर पढ़ रखा था अगर आर एस का एड्रेस जो कॉन्टीन्यूस है आपस में तो अगर उसके फर्स्ट एलिमेंट को एड्रेस को मैं पॉइंटर में स्टोर कर दूं एक ठीक है तो बेसिकली मेरे पास पूरे आरे का एक्सेस हो गया तो यहां पे भी अगेन अगर मैं लिखता हूं इंट एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया मैंने इसके अंदर of course, मैंने इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग आपने देखा होगा अगर मेरे को कैर ऑफ किसी की टाइप कास्टिंग करनी है कैरेक्टर में तो यहाँ पे अगेन जो भी ये चीज आएगी इसको मैं टाइप कास्ट करके इस पॉइंटर में बना दूंगा ठीक है और उसी टाइप के अगर ये इंट है तो यहां पे इंट लिखूंगा अगर ये फ्लोट है तो यहाँ पे फ्लोट लिखूंगा ठीक है जिस भी मेमोरी को आपको स्टोर करना है फिर यहां पे आप लिखते हो मैलॉक अब यहां पे आप लिखोगे अगर आपको 100 इंटीजर्स मेमोरी के अंदर इकट्ठे प्रिजर्व करके रखने हैं एलोकेट कर देने कि यार ये कहीं नहीं जाएंगे मैं इनको प्रिजर्व करके रखूंगा इनको अपने काम के लिए ही मेरे को इस्तेमाल करना है तो यहां पर कैर होता इन मैं लिखता हूं फोर या फिर फोर की जगह साइज ऑफ इंट जो भी मेरा साइज ऑफ वेरिएबल है अगर यहां होता कैरेक्टर का पॉइंटर तो यहां मैं कैर लिखता यहां पे लिखता अगर सौ कैरेक्टर स्टोर करने होते तो साइज ऑफ कैर क्योंकि कैरेक्टर एक बाइट लेता है तो सौ कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए सौ कंटिन्यूअस बाइट्स मैं लेके रखूंगा यहां पे चार सौ लखूंगा ठीक है यहां पे आप फोर भी लिख सकते हो अगर आपको पहले से इंट पता है अगर आपको हजार कैरेक्टर्स के लिए करना है अगेन यार आप लिखोगे कैर पॉइंटर कैर इज इजल टू दिस और यहाँ पे आप इंटू वन भी कर सकते हो या फिर इंटू साइज ऑफ कैर ऑपरेशन भी आप इस्तेमाल कर सकते हो ये जो साइज ऑफ ऑपरेटर है इससे आपका साइज प्रिंट हो जाता है जैसे इंटीजर का चार होता है तो चार प्रिंट हो जाएगा कैरेक्टर का एक होता है तो एक प्रिंट हो जाएगा ठीक है यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ इनफैक्ट अगर आपको इसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखना है तो इधर देखो अगर हम ये लिखे इसको एक इंटीजर के अंदर स्टोर करा देते हैं या एक्चुअली इंटीजर ही देता है एक मैं लिखता हूँ इंट ए इज़ इक्वल टू साइज ऑफ साइज टी नी साइज ऑफ और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ इंट तो इसका आंसर चार आएगा अगर मैं प्रिंट एफ करा के देखूँ ना यार अगर मैं प्रिंट एफ करूँ इसको अपने एक्स को ए को सॉरी तो देखो आंसर आएगा चार रन किया फोर अगर इसी की जगह साइज़ ऑफ मैं लिखूँ फ्लोट तो भी यार चार ही आएगा आपका देखो चार आ गया मैं अगर लिखता हूँ साइज़ ऑफ लॉन्ग ये बाइट्स में होता है हमारा ठीक है तो देखो आठ बाइट्स अगर मैं साइज साइज ऑफ डबल लिखता हूँ यहाँ पे साइज ऑफ डबल तो यहाँ कितना आएगा देखो आठ आ गया सिमिलरली साइज ऑफ़ कैरेक्टर तो यहाँ पे एक आ जाएगा ठीक है कुछ आया नहीं हमारा फो हाँ आ गया ए ठीक है लेट रन हुआ थोड़ा वापस से एक बार रन करते हैं तो ये देखो एक आ गया अगर मैं लिखता हूँ साइज़ ऑफ बूल तो भी आपका क्या आएगा एक आएगा ठीक है इनफैक्ट इसका साइज़ करने की ज़रूरत ही नहीं होती यहाँ पे क्या लिखा है कोई एरर आ रहा है और डिड यू मीन अच्छा बूल hmm, ही है कैपिटल hmm, में लिखना होता है हमें अच्छा जब साइज़ देना होता है तो कुछ ऐसे करते हैं ट्राई करते हैं तो देखो वन आ गया ठीक है तो वैसे तो हम बूल को ऐसे नहीं लिखते यार बूल को हम लिखेंगे ये बूल अच्छा एरर इसलिए आ रहा है बच्चों यार एक चीज़ रह गई आपको अगर हेडर फाइल्स के बारे में अगर आज मैंने समझाया है तो एक चीज भूल ही गया था जो कि यहाँ बता देता हूँ इंक्लूड बुलियन अगर हम करते हैं ठीक है इंक्लूड बुलियन वैल्यूज आ क्यों नहीं रहा यार आश इंक्लूड बुलियन के मेरे को एस टी डी बूल करना होता है एस टी डी बूल डॉट एच ठीक है तो ये देखिए अब रन हो जाएगा वन ठीक है कभी भी मेरे को बुल या बुलियन इंटीजर यूज बुलियन एक्सप्रेशन यूज करना है डेटा टाइप तो उसके लिए मेरे को ये डालना पड़ती है एस टी डी बोल डॉट हम पढ़ चुके हैं तो है है, और, तो और दे रखिये अगर मेरे को कैलॉग से करना है मतलब तो मैं सिंबलरली लिखूंगा इन स्टार पीटीआर ये स्मॉल आई है इज इक्वल टू वही सेम यहाँ पे फ्लोट नहीं लिखना यार बहुत ही गलत चीज लिख दिया यार यहाँ पे इनफैक्ट दिस इज फ्लोट अगर मेरे को यार हजार फ्लोटिंग नंबर यानी कि हजार डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं यही करूंगा काम तो मैं मैलॉग की जगह एक तो यहाँ पे मैलॉग भी लिखा जा सकता था फिर मैं लिख सकता था like सौ हाँ स्लाइड बन गई थोड़ी सी यार ठीक है अगर मेरे को पच्चीस फ्लोटिंग नंबर स्टोर करने हैं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्वेंटी फाइव आपको यार दोनों तरीके से कर सकते हो मैलॉग लिख रहे हो तो आप अपने नंबर ऑफ जो भी आपको स्टोर करने हैं नंबर ऑफ डब्बे इंटू साइज ऑफ डब्बा या फिर नंबर ऑफ डब्बे कॉमा साइज ऑफ डब्बा लेकिन वो कैलॉक में होता है ठीक है तो आप दोनों तरीके से एलोकेट कर सकते हैं मेमरी एक फर्क क्या है मैलॉक में और कैलॉक में यार कैलॉक में पहले से जो हमारी सेट वैल्यू होती है अगर मैंने इतनी इंटीजर स्टोर कर लिए तो उनकी बाई डिफॉल्ट जीरो वैल्यू होती है ठीक है कैलॉक में जीरो वैल्यू होती है जबकि मैलॉक में गार्बेज वैल्यू होती है चलिए इसको एक बार कोड करके देखते हैं और चेक कर लेते हैं कि ऐसा सच में हो रहा है या नहीं हो रहा है पहले इसको हम ये कर देते हैं कमेंट आउट अब हम एक बना लेते हैं इंट स्टार क्योंकि मैं एड्रेस ही स्टोर करूंगा हमेशा इसको ऐसे ही डायनामिकली एलोकेट करने के लिए पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हैं तो मैं ये लिखूंगा इंट स्टार ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं मैलॉक ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं हम मैलॉक और यार ये एक एरर देगा आपका सबसे पहले तो मैलॉक अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मान लो मेरे को टेन इंटीजर स्टोर करने हैं तो मैं टेन इंटू फोर भी लिख सकता हूँ सेम बात है या फिर टेन इंटू साइज ऑफ इंट भी लिख सकता हूँ मेरी मर्जी है अगर मैं रन करूंगा तो एरर आ जाएगा क्यों भाई एरर क्यों आ रहा या? है यार ठीक है यहाँ पे लिखा है इंक्लूड द हेडर हेडर एस टी डी लिप डॉट एच ठीक है ये देखो ये मेरी हेडर फाइल है थोड़ा देख लेते हैं अच्छे से ये एस टी डी लिप डॉट एच तो ये मुझे चाहिए होती है ठीक है तो मैं लिखूंगा हैश इंक्लूड ये एस टी डी लिप अब एरर नहीं आएगा रन किया देखो कोई एरर नहीं आया तो ऐसे करके ना मैंने दस इंटीजर वेरिएबल्स मेमोरी में एलोकेट कर दिए अगर मैं इसको प्रिंट कराने की कोशिश करूं तो प्रिंट कैसे करूंगा देखना प्रिंट मैं ऐसे कर सकता हूं सीधा लिख दो प्रिंट एफ यहां पे मैं इंटीजर प्रिंट कराना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा परसेंटेज डी और मैं लिखूंगा स्टार पीटीआर मैं आपको पॉइंटर अच्छे से समझा चुका हूं इसको हम कहते हैं यार अपना डी रेफरेंस ऑपरेटर स्टार ऑपरेटर जिसको मैं कहता हूं वो तो नाम जानने की जरूरत नहीं आपको इतना लेकिन अगर मैं कभी भी ये लिखता था पॉइंटर्स का थोड़ा रिविजन कर लेते हैं कहीं आप भूल गए हो मैं लिखूंगा इंट स्टार पी इज इक्वल टू एंड मान लो x पहले तो मैंने ये लिख दिया इंट x इज इक्वल टू सिक्स मैं लिखता हूँ इन स्टार पी इज इक्वल टू एंड एक्स तो मेरे को अगर पॉइंटर के थ्रू इंटीजर को चेंज या प्रिंट कराना हुआ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ अगर मैं लिखता हूँ स्टार एक्स इज इक्वल टू जीरो सेवन तो एक्स की वैल्यू भी चेंज होके सॉरी स्टार पी सॉरी वेरी सॉरी पॉइंटर का नाम मैं स्टार पी इज इक्ल टू सेवन लिखूंगा तो इसका ऑटोमेटिकली मीनिंग है कि अब एक्स की वैल्यू भी सेवन हो चुकी है ठीक है तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो स्टार से हम उस इंटीजर को फैच करके लाते हैं जिसका एड्रेस हमारे पॉइंटर में स्टोर हुआ होता है ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं इधर देखते हैं अब एक बार इसको प्रिंट करा के देखते हैं तो हमारा आंसर अजीब सा आएगा ठीक है रन हो जा ठीक है हाँ तो वैसे ज़ीरो रहा है एक काम करते हैं स्टार ऑफ पॉइंटर प्लस प्लस प्रिंट करके देख लेते हैं सबसे पहले एक काम करते हैं पी को आगे ले जाते हैं पॉइंटर को आगे ले गए थोड़ा फिर मैंने प्रिंट किया फिर भी ज़ीरो ही आ रहे हैं अच्छा मैलॉक में कब से ज़ीरो आने लग गया यार फिर मैं लिखता हूँ पी टी आर प्लस प्लस रन करते हैं जीरो ही आ रहा है कमा लें यार मैलॉक की भी गार्बेज वैल्यू हमारी यहाँ पे जीरो ही आ रही है अभी बार कैलॉग करके देखते हैं यार ठीक है फिर रन करते हैं कैलॉग में, में तो मैं ये लिखता हूँ इसमें तो ज़ीरो आएगी यार तो यार फॉर सम रीज़न अभी हमारी जो गार्बेज वैल्यूज आनी चाहिए थी वो जीरो ही आ रही है मैलॉक के अंदर लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है यार मैं आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ यहीं की यहीं कि एक काम करते हैं सबसे पहले प्रिंट कराते रहते हैं कंट्रोल सी पहले अपना उसको प्रिंट करा दिया फिर प्लस प्लस किया फिर इसको किया फिर प्लस प्लस किया फिर इसको किया तो चलिए देखते हैं यार ज़ीरो जीरो जीरो ही आ रहा है फिर भी ओके तो यहाँ पे वैसे तो ये गार्बेज वैल्यू होनी चाहिए जो कि मैंने अपने पॉइंटर के अंदर स्टोर किया है ना बट वी एस कोड अभी यहाँ पे ज़ीरो जीरो दिखा रहा है क्या पता फॉर सम रीज़न नए क्या कहते हैं उसमें ये गार्बेज वैल्यू ही है पर ठीक है इसको ट्रीट है एज अ गार्बेज वैल्यू ही करना एक बार इसको ना ड्राई रन कर देते हैं आपको थोड़ा आइडिया पड़ेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आज ये है क्या ठीक है तो इससे होता क्या है तो देखो इससे ये होता है जैसे ही मैंने लिखा इन स्टार पी टी आर इज इक्वल टू दिस तो अब आप यही सोचोगे ना कि इससे पहले मैंने कोई इंटीजर तो लिखा नहीं इन टैक्स इज इक्वल टू सेवन फिर मैं लिख दूँ इन पी टी आर इज ईक्ल टू इसका एड्रेस पॉइंटर तो सीधा एड्रेस स्टोर करता है पॉइंटर से मैं इतने सारे इंटीजर्स कैसे स्टोर करा रहा हूँ बेसिकली टेन इंटीजर्स तो इसमें होता ये है कि हमारी अगर पूरी मेमरी है हमारी अगर यार यहाँ पर पूरी मेमरी है तो जैसे ही मैंने ये वाली स्टेटमेंट लिखी अपनी लाइन तो मेरे पास लगातार 40 40 बाइट्स का स्पेस कंटिन्यूस ये एलोकेट हो गया मेमोरी में ये रिजर्व हो गया ठीक है यहां पे 10 इंटीजर्स मेरे स्टोर हो सकते हैं यहाँ पे मेरे 10 इंटीजियर स्टोर हो सकते हैं बार कर लेते हैं एक दो तीन ठीक है चार पाँच छ सात आठ नौ और ये हो गया दस तो ये दस इंटीजर्स है हर के अंदर चार चार बाइट्स है स्टार्टिंग में जब मैं ये लिखता हूँ तो एक तो ये काम हो गया एलोकेशन हो गई और मेरा पॉइंटर अभी के लिए यहां पे पॉइंट कर रहा है पहले इंटीजर पे मेरा पॉइंटर जो है मेरा जो यहाँ पे पॉइंटर है वो एज ऑफ नाउ पहले इंटीजर पे यहाँ पे अभी पॉइंट कर रहा है अब जब मैं प्रिंट कराता हूँ इसकी वैल्यू तो आप बोलोगे यहां पे तो मैंने कोई वैल्यू तो दी ही नहीं या तो मैं वैल्यू दे, दे देता मैंने वैल्यू तो कोई दी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट एक गार्बेज वैल्यू स्टोर करता है तो अगर मैं स्टार पीटीआर करके प्रिंट करा दूंगा यहाँ पे तो वो एक गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा जैसे अभी के लिए जीरो आ रहा है लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग गार्बेज वैल्यू आनी चाहिए फिर मैं अगर लिखता हूँ पीटीआर प्लस प्लस तो इसका मीनिंग यार ये होता है ध्यान रखना स्टार पीटीआर प्लस प्लस नहीं करा मैंने इसका मीनिंग बहुत अलग हो जाता है यार इसका मतलब होता है जो उस पर वैल्यू पड़ी है उसमें एक ऐड कर दो पीटीआर प्लस प्लस का सिंपल मीनिंग है कि वो एक स्टेप नहीं एक इंटीजर आगे या फिर जिस जिसका भी वो पॉइंटर है इंटीजर पॉइंटर है तो चार बाइट आगे बढ़ जाए मतलब अब वो अगले एड्रेस को पॉइंट करना स्टार्ट कर दे राइट जैसे मान लीजिए पहले इंटीजर का एड्रेस मेरा है एक्स फोर्टी दूसरे इंटीजर का एड्रेस है एक्स फोर्टी फोर तीसरे का है एक्स फोर्टी एट चार चार का गैप होगा यूजुअली चार बाइट से तो अगर मैं पॉइंटर लिखूं पॉइंटर अभी के लिए एक्स फोर्टी को स्टोर कर रहा है पी का जो डब्बा है इसमें पड़ा है एक्स फोर्टी एड्रेस को स्टोर करता है ना तो पी टी आर प्लस प्लस करने देने से ये चेंज होकर एक्स फोर्टी वन नहीं बनता एक्स फोर्टी फोर बनेगा क्योंकि ये इंटीजर टाइप है कैरेक्टर होता तो एक आगे बढ़ता ऐसा सीन होता है तो देखो ये हमारा एक्चुअली में काम हो रहा है फिर मैंने प्लस प्लस किया तो इधर आ गए हम आगे फिर वो आगे की चीज़ प्रिंट हुई उसकी वैल्यू स्टार है तो इस केस में जीरो ही प्रिंट हो रहा है बट अगेन वैलवी वैल्यू प्रिंट होती है सिमिलरली अगर मैं इधर आ जाता हूँ यार अपना कैलॉग में ये हमने देख लिया है सेम चीज मैं कर सकता हूँ कैलॉक में बस साइज के एक साइज लिखो कॉमा लिखो और ये लिख दो ठीक है और आजकल तो आप जैसे देख सकते हो दोनों ही जीरो प्रिंट कर रहे हैं इनकी डिफॉल्ट वैल्यूज की तरह प्रैक्टिस यार एक राइट अ प्रोग्राम टू टेक एन नंबर ऑफ इंटीजर्स एज इनपुट एंड डिस्प्ले देम ठीक है तो ये बिल्कुल सिंपल सा काम है कुछ नहीं करना आपको डायनामिकली आपको ये सारी चीज़ें प्रिंट करानी है चलिए देखते हैं यार ये वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लिख देते हैं एक नई फाइल बना लेते हैं एन इंटीजर्स डॉट सी तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये सारी की सारी चीज़ें ठीक है अपनी हेडर फाइल्स भी ले लेते हैं इकट्ठा यार बुलियन की ज़रूरत नहीं है लेकिन एच लिब की ज़रूरत है ठीक है तो मेरे को क्या लेना है मेरे को लेना है यार इन, ये भी एक्चुअली एक काम करते हैं ना यार इसको हटा देते हैं इसको हम कर देते हैं यार ये एन मैंने ले ही रखा है ऑलरेडी एंटर हम लिख देते हैं एंटर नंबर ऑफ इंटीजर्स ठीक है एंटर नंबर ऑफ इंटीजर्स यू वॉन्ट यू वॉन्ट राइट फिर हम स्कैन भी कर लेते हैं इसको सिंपल चीज और हमें इतने इंटीजर्स अब करने हैं इनपुट लेने हैं तो देखो एक तरीका क्या होता है इतने इतने इंटीजर्स को इनपुट लेने का मल्टीपल इंटीजर्स को इनपुट लेने का यही तरीका जो कि होता है बाई यूजिंग एन एरे अगर मेरे को एन इंटीजर्स इनपुट लेने हैं तो एरे से यूज कर सकता हूँ उतनी साइज का एरे बना दिया देखो यहाँ पे स्कैन ले लिया और फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया ये चीज़ तो हम देख चुके ऑलरेडी ठीक है चाहे तो मैं रन करा दूँ देखो मैं लिखता हूँ एंटर नंबर ऑफ इंटीजर्स यू वॉन्ट तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यार यहाँ पे कितना यहाँ पे लिख सकता हूँ सिक्स फिर सबको इनपुट दे दो ठीक है ये नंबर दे दो यार पाँच हो गए छः फिर यही प्रिंट हो जाएंगे मेरे एरे के फॉर्म में अब बिना एरे के टेक्निकली स्पीकिंग वो भी एक एरे होगा लेकिन बिना एरे के हम डायनामिकली एलोकेट ऐसे कर सकते हैं मैं सीधा एक पॉइंटर दे सकता हूँ इन स्टार पी टी आर इज इक्वल टू टाइप कास्ट कर दो पहले तो यार इंट स्टार फिर यहाँ लिख दो मैलॉक और यहाँ पे लिख दो कि जितने भी इंटीजर चाहिए आपको एन और क्या हमारा डेटा टाइप इंटीजर ही है तो आप लिख दो साइज ऑफ इंट या फिर इसकी जगह आप फोर भी लिख सकते थे यार वो सेम ही बात होती है राइट साइज ऑफ इंट भी लिख सकते हो फोर भी लिख सकते हो अब जैसे ही हमारा ये काम बन गया या तो कैलॉक से अब आपको सबको डिस्प्ले करना है इन्होंने बोला डिस्प्ले तो अभी तक तो पहली बात तो मैंने इनपुट ही नहीं लिया इनपुट कैसे लू ये करने से तो सिर्फ मैंने एक जगह बना दी है खाली लेकिन इनपुट नहीं लिया तो इनका इनपुट भी आप कैसे ले सकते हो आप पॉइंटर्स के थ्रू ले सकते हो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा सबसे पहले मैं एक दूसरा पॉइंटर बना दूंगा इन स्टार पी जिसको मैं अभी के लिए अपने पहले इंडेक्स पे मार्क करके रख देता हूँ ये काम आ सकता है बाद में इज इक्वल टू पी टी, टी आर तो इसके अंदर भी पहले इंटीजर में मैंने इसको पॉइंट कर दिया समझने की कोशिश करो यार ठीक है इसको पूरा ड्राई रन करूंगा अभी आपके सामने अब मेरे को सबको इनपुट लेना है तो मैं सबको इनपुट कैसे ले सकता हूं अगर दस इंटीजर है या एन इंटीजर है तो मैं एक लूप लगा लूंगा फॉर इंट आई इज इक्वल टू वन आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस इतनी बार तो मेरे को इनपुट लेने हैं इनपुट लेने के लिए मैं स्कैन का यूज ही करूंगा चाहे कुछ हो एंड यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप है तो परसेंटेज डी भी लिख दो अब यहाँ क्या लिखूंगा यहाँ पे एंड के आगे क्या लिखूँ किस नंबर को मेरे को इनपुट लेना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंड में ब्रैकेट भी लगा लिया करो अच्छी बात रहती है एंड में लिख दो स्टार पॉइंटर जहां पॉइंटर है अभी उस वैल्यू को आप इनपुट ले लो ठीक है ऐसे हम इस चीज़ को करते हैं अब इसके बाद अपने पॉइंटर को आगे भी ले जाओ लेकिन पी टी आर प्लस प्लस ताकि अगला वाला इनपुट ले अब देखना इससे सारा मेरा काम हो जाएगा और एक बार रन करते हैं कोड को एरर नहीं आएगा कोई एंटर नंबर ऑफ इंटीजर्स मैं कहता हूँ फोर तो देखो मैं इनपुट दे देता हूँ क्वेश्चन खत्म कोड खत्म अब इसको मैं प्रिंट कैसे कराऊं बाकी वैल्यूज को इसलिए मैंने ये पी रख रखा था क्योंकि मेरा पॉइंटर अब खो चुका है ठीक है इसलिए मैंने यहाँ पे ये पी रख रह रखा था क्योंकि मैं अपना पॉइंटर खो चुका हूँ ठीक है तो प्रिंट करने के लिए सेम काम होता है कंट्रोल सी कंट्रोल वी बस यहाँ पे लिख दो यार अपना प्रिंट एफ और यहाँ से अपना एंड हटा दो ठीक है और तो पॉइंटर को आगे बढ़ाते रहो एंड पॉइंटर नहीं पी को आगे बढ़ाते रहो और पी को ही प्रिंट कराते रहो ठीक है आप देखना रन करेंगे तो सारा सही आ जाएगा एंटर नंबर ऑफ इंटीजर्स थ्री वन फोर टू तो देखो वन फोर टू प्रिंट आ गए अब मैंने स्पेस नहीं दिया था ना यहाँ पे एक काम करते हैं नेक्स्ट लाइन दे देते हैं अब रन करके दिखाते हैं मैं लिखता हूँ थ्री वन एट थ्री तो ओ सॉरी मैंने एक ही नंबर दे दिया दूसरा नंबर तीसरा नंबर तो देखो तीनों आ गए हमारे प्रिंटों के आ गए इसका ड्राई रन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि मैंने ऐसा क्यों किया है एंड इनफैक्ट इसको एक और जगह स्टोर हम करा के रखेंगे ताकि हम खो ना दें Int, e is equal to P करके ठीक है एक बार मैं इसको आपके सामने ड्राई रन करके दिखाता हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है टेक्निकली स्पीकिंग ये भी एक एरे ही बन गया है ठीक है अब यहां देखिए लिखा इंड स्टार पी टी आर इज इक्वल टू दिस तो इस लाइन से हुआ क्या इस लाइन से टेक्निकली स्पीकिंग एक एरे बन गया टेक्निकली स्पीकिंग ठीक है मान लो एन मैं मान लेता हूं, मैंने एन की वैल्यू अभी के लिए दे रखी है यार एन की वैल्यू मैंने अभी के लिए दे रखी है मान लो फाइव तो एक दो तीन चार पाँच ठीक है पाँच डब्बे तो ये लिखने से पांच डब्बे मेरे एलोकेट हो गए अगर एन मेरा फाइव है तो और एक बारी के लिए क्या हुआ इनके एड्रेसेस मान लेते हैं एक्स फोर्टी इसका एड्रेस एक्स फोर्टी फोर इसका होगा एक्स फोर्टी एट इसका होगा चार आगे इसका होगा मान लेते एक्स फिफ्टी सिक्स मैंने जब ये भी लिखा ना तो इससे ये भी एक काम हो गया कि पॉइंटर अभी के लिए यार इस पर है मतलब पॉइंटर वाला जो डब्बा है करेंटली उसके अंदर अभी एक्स फोर्टी है क्यों क्योंकि पॉइंटर एड्रेस को स्टोर करता है ना तो पॉइंटर डब्बे में अभी X है यहां पे अभी पॉइंट कर रहा है ठीक है अब मैंने क्या किया पहले से इंट स्टार लिख दिया ऐसा मैंने सिर्फ इसलिए किया मैं आपको समझाता हूं अगर मैं ये लाइन नहीं लिखता मान लेते हैं मान लेते हैं कि यार मैंने ये लाइन नहीं लिख रखी कोई बात नहीं अब हम इधर आ जाते हैं इनपुट ले सकते हैं हम फिर भी इनपुट हमने लिया कैसे है पहली बार तो एन बार लूप चलाया तो एन नंबर्स हमें इनपुट लेने हैं स्कैन परसेंटेज डी एंड स्टार पीटीआर इसका क्या मतलब हुआ सबसे पहली बात तो पीटीआर में एक्स फोर्टी स्टोर है तो स्टार पीटीआर का मतलब क्या होता है यार एक्स फोर्टी वाले डब्बे पे जाओ उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसको फेच करो या फिर मॉडिफाई करो जैसे यहां पे उसको इनपुट लो तो अब जब मैं यहाँ पे इनपुट लेता हूँ मान लो मैंने नंबर दे दिया फाइव तो ये काम हो गया फिर जब मैं लिखता हूं पीटीआर प्लस प्लस तो ऐसा होता है कि अब पीटीआर इधर आ जाता है एंड इसके अंदर अब स्टोर हो जाता है x44 समझो इस बात को फिर सेम काम हुआ हमने इनपुट लिया यार इसमें मान लो हमने इनपुट ले लिया वन फिर हमने किया पी टी आर प्लस प्लस पी टी आर इधर आ गया इसके अंदर आ गया x48 फिर मान लेते हैं इसमें इनपुट लिया सिक्स फिर हमने लिया पी टी आर प्लस प्लस तो x52 आ गया इसमें फिर हमने इनपुट लिया टेन फिर हमने लिखा पी टी आर प्लस प्लस पॉइंटर में आ गया x56 फिर हमने यहाँ पे मान लीजिए इनपुट ले लिया नंबर एट फिर हमने लिखा पी टी आर प्लस प्लस के पूरी मेमोरी है ना हमारी मेमोरी है चलती जा रही है तो तो कितना चार बीस बाइट उठा ली हमने मेमोरी के अंदर की और अब जो पॉइंटर है अनफॉर्चुनेटली मान लेते हैं ये भी एक्स है सिक्स है इससे पहले की मेमरी उससे बाद की वो। तो हमारा पॉइंटर अब इधर है लेकिन अब इसका तो हिसाब हम खो चुके यहां पे कुछ नहीं है ये हमारी वो चीज थी अब अगर मेरे को इन सारी चीजों को प्रिंट कराना हुआ तो क्या मैं कभी प्रिंट कर सकता हूं जिंदगी में नहीं अब नहीं कर सकता अगर मैंने ये लाइन नहीं लिखी होती ना यार क्योंकि अब मैं खो चुका हूं इसका एड्रेस मेरे को हमेशा इस पूरी चीज को प्रिंट कराने के लिए फर्स्ट वाले का एड्रेस चाहिए ही चाहिए होता है चाहे कुछ हो ये मेरे को चाहिए ये मेरे को चाहिए अब ये तो मैंने खो दिया यार अब मैं इधर आ चुका हूं तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया था इंच स्टार पी इज़ इक्वल टू पी टी आर ताकि जब मैंने ये लिखा था ना तो सिर्फ स्टार्टिंग में जब हमारा पॉइंटर इधर था तो साथ ही साथ एक पी भी था जो अभी तक इधर ही है पी को मैं आगे नहीं लेकर गया हूँ ठीक है पी टी आर को मैं आगे लेकर गया हूँ पी में हमेशा से सिर्फ यही स्टोर्ड है एक्स फोर्टी अब इससे हुआ क्या इससे ये हुआ कि अब मैं वापस से इसको वैल्यू पे ट्रैवल कर सकता हूँ इनको चाहे तो प्रिंट कर रख दो जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रिंट करा रखा है अगेन इसको भूल जाओ कि मैंने ये लिखा है तो वन से लेकर एंड मैंने सिंपल प्रिंट करा दिया वैल्यू स्टार पी जब मैंने लिखा स्टार पी तो इसका क्या मतलब है पी पे जाओ पी पी में फोर्टी स्टोर है एक्स फोर्टी एक्स फोर्टी एड्रेस पे जाओ फाइव वैल्यू प्रिंट कर दो फैच करके लाओ प्रिंट कर दिया प्रिंट कर दिया पी पी प्लस प्लस पी प्लस प्लस फिर इधर आ गए फिर वापस पी के अंदर एक्स फोर्टी फोर गया एंड सो ऑन हमने सारी वैल्यूज प्रिंट करा दी एंड इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ये लिख दिया था प्रिंट कराने से पहले इंट स्टार पी ई इज़ इक्वल टू पी क्योंकि मैंने टी को भी यहीं पॉइंट करा दिया इसलिए ताकि दिक्कत ना हो इन जनरल आप हमेशा क्या करोगे आप अपने जो स्टार्टिंग में आपने पी बना रखा ना इसको आप प्रिजर्व रखोगे मतलब जब आपने लिखा एंड पी इज इक्वल टू पीटीआर तो आप यहाँ पे ना स्टार पी का, का काम करोगे और पी को आगे लेके जाओगे सिमिलरली आप वापस से लिख दोगे यहाँ पे खत्म होने के बाद पी इज इक्वल टू पी टी आर तो वापस से इधर आ जाएगा ठीक है जो हमारा पी है तो और बाकी पॉइंटर्स बनाने की जरूरत नहीं है इस टी बनाने की भी आपको जरूरत यार नहीं थी यहाँ पे टू तो बी वेरी ऑनेस्ट ठीक है तो आप सिर्फ

मैनेज मेमोरी कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी अच्छी स्लाइड्स बनी हुई है तो मेमोरी डी एलोकेशन देखते हैं ये फ्री ऑपरेटर को यूज करके होता है तो जैसे malloc लिखते थे अब यहां लिखेंगे हम free, of course, यहां पे हम ये नहीं लिखेंगे कि फ्री लिख और उस पॉइंटर का नाम यहाँ पे लिखा है पॉइंटर टू हीप एड्रेस मतलब मान लो हमने ये लिख रखा है कभी इंट स्टार ptr इज इक्वल टू वही सारी चीजें लास्ट में हमें फ्री करना हो तो सीधा लिखो फ्री पी टी आर सिंपल सिंपल काम करना आपको, है आपको ठीक है यहाँ पे लिखा भी है पॉइंटर टू हीप एड्रेस इज द पॉइंटर टू हीप मेमोरी एलोकेटेड डायनामिकली यूजिंग मैलॉक एंड कैलॉक फंक्शन जिससे भी हमने किया हो तो जब हमने ये किया तो हमने मेमोरी एलोकेट कर दी यार आठ इंटू फोर तो, क्या कहते हैं थर्टी टू बाइट्स थर्टी टू बिट्स आई एम सो सॉरी नहीं बाइट्स फिर जब हमने लिखा फ्री पॉइंटर तो अब वो सारी फिर मेमोरी अब डी एलोकेट हो चुकी है ठीक है भाई यहाँ लिखा है मेमरी डी आलोकेटेड बट पॉइंटर्स रेफर टू अ अमरी विच नॉट बिलोंग टू अस हेंस पॉइंटर शुड बी सेट टू नल अब यहाँ पे पॉइंटर इज इक्वल टू नल क्यों लिखा है यार नल पॉइंटर क्या होता है यार नल आपको सिखा देता हूँ बेसिकली नल के लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे सिखाना पड़ेगा आपको इधर आ जाते हैं पहले और यहाँ लिख देते हैं फ्री डॉट सी एंड एन इंटीजर्स पे आते हैं एक बारी के लिए कंट्रोल सी कंट्रोल वी थोड़ा ये देखिए यार कुछ चीज बताता हूं आपको यहाँ पे सबसे पहले तो नल पॉइंटर क्या होता है अगर मैं कभी भी यार ये लिखता हूं यार इंट स्टार कैपिटल नल और फिर अगर मैं इसको प्रिंट करा के देखू ये एक एड्रेस है ना पॉइंटर एड्रेस स्टोर करता है तो देखते हैं एक बार प्रिंट एफ यहाँ पे लिख देता हूँ परसेंटेज पी परसेंटेज पी होता है हमारे पॉइंटर्स के लिए और यहाँ पे हम लिख देते हैं पीटीआर सिर्फ एड्रेस अगर प्रिंट कराना है ठीक है इससे पहले ही चलो ये देख लेते हैं अगर मैं कभी लिखता हूँ इन टेक्स इज इक्ल टू नाइन और लिखूँ पी टी आर इज इक्वल टू एंड एक्स फिर अगर हम पी टी आर को प्रिंट कराए आप सब जानते हो कि एड्रेस आ जाएगा ये रहा ठीक है लेकिन अगर मैं नल लिखूँ तो नल एक रिजर्व एड्रेस होता है स्पेशल जिसका आएगा जीरो एक्स जीरो ठीक है तो एक स्पेशल एड्रेस है ये ये काम आता है हमें बहुत सारे आगे लिंक लिस्ट जब हम पढ़ते हैं सी प्लस प्लस जाओ हमें तो नल पॉइंटर इसलिए हमें काम आता है बहुत ज्यादा ठीक है तो यहाँ पे ये क्यों लिखा है यहाँ पे कि पॉइंटर को बाद में अपने आप नल पे सेट कर दो क्योंकि जब मैंने ये काम किया तो देखो आठ तो हमारी ऐसे एलोकेट हो गई आठ लोकेशन स्टार्टिंग होता है अगर मैंने यहाँ पे समझी इस बात को मैंने अगर सिर्फ लिखा होता इन स्टार पीटीआर में ये सब चीजें नहीं लिखी होती मैंने बस उसको एक एड्रेस दे दिया होता कोई भी मान लीजिए मैंने एक नंबर सेट कर दिया उसका अगला एड्रेस ही उसे दे दिया तो उससे उसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता मान लो यहां पे मेरा पौिंट कर रहा है, तो क्या आगे की मेमरी कुछ होगी या नहीं होगी हो हो जब मैं, ये लिखता ना, मैं तो ये सबसे पहले ढूंढता है मेमरी के अंदर एक ब्लॉक कहा खाली है कितना ब्लॉक एन इंटू साइज ऑफ इंट यानी कि फाइव इंटू फोर मान लो कहा ट्वेंटी बाइट्स लगातार मेमोरी में खाली हो वहां ढूंढेगा ये नहीं है कि टूटी हुई मेमोरी में खाली है ठीक है

अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे ये यह हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये चीज़ अभी हमने देखी थी यहाँ पे देखो दिक्कत क्या है अगर मैं लिखता हूँ इंट स्टार पी टी आर हेड ये नाम है अगर मैंने मेमरी एलोकेट कर दी ये लिख दिया टू इंटू साइज़ ऑफ इंट तो बेसिकली ये हुआ मेमरी के अंदर यार हमारे ऐसे दो इंटीजर स्टोर हो गए मान लेते हैं एड्रेस है एक्स फोर्टी एक्स फोर्टी फोर ठीक है फिर हमारे ये है एक्स फोर्टी एट एक्स थर्टी सिक्स और मैंने ये वाले दो एलोकेट कर दिए और पी टी आर हेड लिख दिया पी टी आर ही मान लेते हैं अभी के लिए इसको यार चलो पी टी आर हेड ही लिखते थे तो मैंने पी टी आर हेड नाम का एक पॉइंटर इस पे पॉइंट करा रहा हूँ अभी के लिए मैं इसके फर्स्ट इस पे दो डब्बे मैंने एलोकेट कर दिए मेमरी के अंदर से अब जब मैंने ये लिखा इन स्टार पी टी आर इज ईक्वल टू पी टी आर हेड समझना इस बात को इन स्टार पी टी आर इजल टू पी टी आर हेड इसका मतलब एक और पी टी आर भी है उसको भी मैं यही पॉइंट करा रहा हूँ इसी जगह फोर्टी एड्रेस पे फिर मैं लिखता हूँ पी टी आर प्लस प्लस या अगर मैं इसको छोड़ दूं सिंपल पीटीआर हेड को इस इस लाइन को छोड़ो यार एक बार के लिए ये तो रिजर्व करने के लिए अगर मैं अब यहां लिखू पीटीआर हेड इस पॉइंटर का नाम प्लस प्लस तो इसका क्या मतलब होगा मैंने इसको एक एक स्टेप आगे बढ़ा दिया जो हमने बात की थी राइट प्रिंटिंग के लिए या कुछ करने के लिए फिर अगर मैं करता हूं फ्री पीटीआर तो ये एरर दे देगा ये एरर दे देगा ये एरर मेरा क्यों देगा यार क्योंकि तो अब मैं इधर आ चुका हूं मेरे को ये पूरी फ्री करनी थी तो मेरे को हमेशा स्टार्टिंग वाले मेंबर का एड्रेस चाहिए ही चाहिए होता है इसलिए मैं कहीं और उसे स्टोर करा सकता हूँ एक बार देखते यहाँ आ जाते हैं यार फ्री वाले में बेसिकली कहने का ये मतलब है कि अगर मैं लिखूँ एंड स्टार पी टी आर इज इक्वल टू यहाँ पर मैं लिख दूँ एंट स्टार इंट एट नहीं इंट स्टार और कैलॉक करके देखते हैं इस बार यार कैलॉक से भी कर सकते हैं हम मैं टेन इंटीजर्स का ले लेता हूँ तो टेन कॉमा फोर इंटीजर है ना राइट अब अगर मैं लिखूं ये पी टी आर प्लस प्लस आगे बढ़ा दूं उसको, फिर मैं लिखूं फ्री पी टी आर तो भाई दिक्कत आ जाएगी देखो मैं रन करता हूं देखो एरर यहाँ लिखा भी है एरर फॉर ऑब्जेक्ट दिस ठीक है पॉइंटर बीइंग फ्रीड वाज नॉट अलाउड लेकिन इसको अब हम करते कैसे अगर हमें आगे लेके जाना है कोई भी पॉइंटर तो इसलिए हम एक दूसरा पॉइंटर बना देंगे मान लेते हैं इंस्टार पी उसको हम पीटीआर करेंगे और उसके साथ हम छेड़खानी कर देंगे ठीक है हम उसके साथ कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है देखो कोई एरर नहीं आया या फिर हम ये भी कर सकते हैं यार कि PTR को अगर हम आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन हम फ्री करते समय उस पी पे जाए जो कि हमने पे स्टार्टिंग पे सेट कर दिया ठीक है स्टार्टिंग पे सेट कर दिया ताकि अगर हम पी को आगे कभी लेके भी जाए माइनस माइनस करें या प्लस प्लस करें माइनस माइनस भी कर सकते हैं ना आगे पीछे कहीं पे भी लेके जाए पीटीआर को तो कोई बात नहीं हमारे पास अभी भी अपना हेड रिजर्व है जहां से शुरू होता है वो तो अब रन करते हैं देखो तो देखो कोई एरर नहीं आया इस केस में भी राइट right, तो इसलिए ये चीज होती है हमारी जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ एन टीचर्स वाले में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और यहां पर हम देखते हैं थोड़ा ये कि मेमोरी रियालोकेशन अब रियालॉक का क्या मतलब होता है मान लीजिए आपने मैलॉक कर दिया आठ इंटीजर्स कर दिए पर आपको बाद में याद आया नहीं 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 मेरे को तो पंद्रह बीस इंटीजर्स चाहिए थे तो इसलिए हम रियालोकेशन का इस्तेमाल करते हैं इट इज़ यूज टू डायनामिकली चेंज द मेमरी एलोकेशन ऑफ अ प्रीवियसली एलोकेटेड मेमरी अगेन न्यू साइज इज द टोटल साइज टू बी एलोकेट एंड पॉइंटर इज द पॉइंटर क्या कहते हैं प्रीवियसली क्या कहते हैं टू प्रीवियसली एलोकेटेड मेमरी तो आप इसका सिंटैक्स ऐसा होता है रियालोक वो जो पॉइंटर था मान लो पी आपने दिया बस यहाँ पर आप उसका नया साइज दे दो सिंपल सा हमारा काम हो जाता है इसके बाद दिक्कतें नहीं आती तो रियालोक का ये काम होता है जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं

ये भी मेरा कुछ एलोकेटेड था स्पेस इसलिए इसने ये चीज़ चुनी अब अगर मैं एकदम से कहता हूँ कि मुझे तो 40 बाइट चाहिए इकट्ठा तो क्या वो इकट्ठे स्टोर्ड होगी या वो 40 की 40 कहीं और स्टोर्ड होगी सोचने की बात है चलिए देखते हैं ये चीज़ क्लियर हो जाएगी अगर मैं पहले का एड्रेस प्रिंट करा दूँ और री एलोकेशन के बाद एड्रेस प्रिंट करा दूँ मैं आपको समझाता हूँ यहाँ आ जाते हैं यार एक फाइल बना लेते हैं इसका नाम रख देते हैं री आलोक डॉट सी ठीक है एंड यहाँ पे कुछ कॉपी पेस्ट करते हैं चीज़ें अपनी फिर यहाँ पे डिलीट कर देते हैं इन चीज़ों को ठीक है भाई एस टी डी लिप की जरूरत तो है ही अगर मैं लिखता हूँ इन स्टार पी टी आर इज इक्वल टू माई लॉक और यहाँ पे हम लिख देते हैं मेरे को दस इंटीजर्स चाहिए एक बारी के लिए टेन इंटू फोर मैंने कर दिया एक बारी के लिए हम प्रिंट करा के देखते हैं प्रिंट एफ परसेंटेज डी नहीं नहीं परसेंटेज पी लिखूंगा ना पॉइंटर को प्रिंट करा रहा हूँ तो मैं एड्रेस प्रिंट करा रहा हूँ एक बारी के लिए ये एड्रेस प्रिंट करा देते हैं फिर हम रियालोकेट कर देते हैं पी टी आर इज इक्वल टू इसको हम ऐसे लिखते हैं इसका तरीका ये होता है क्यों क्योंकि रियालॉक अपने आप में एक पॉइंटर देगा ठीक है जो कि हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे अपने ओरिजिनल वाले में तो इसमें हम सबसे पहले देते हैं पी टी आर और फिर नया साइज अपना तो नया साइज मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ मेरा इन बाइट्स तो मैं टेन इंटू फोर की जगह मैं लिख दूंगा ट्वेंटी इंटू फोर तो यहाँ लिख दो ट्वेंटी इंटू जैसे फोर मेरे को चाहिए बीस अब एक बार प्रिंट करा देते हैं वापस से जो एड्रेस है क्या वो चेंज हुआ नहीं हुआ रन करते हैं एक बार यार ये दे देते हैं यहाँ पे ना बैक्सलेशन तो आप देख सकते हो एड्रेस इंटैक्ट है मेरा अभी भी जीरो एक्स वन फाइव सिक्स सिक्स जीरो सिक्स सेवन डी जीरो सिक्स सिक्स जीरो सिक्स सेवन जीरो अच्छा और अगर मैं साइज को कुछ बेहुदा तरीके से बड़ा कर दूं तो फिर भी यार देखो एड्रेस मेरा इंटैक्ट है एड्रेस दोनों का ही मेरा यहाँ पे सेम है अच्छा अगर मैं एक कॉल काम करता हूँ कुछ ज्यादा ही कर देते हैं इसको छोड़ते ही नहीं है कसर अब आप एक चीज देखोगे कि दोनों का एड्रेस अलग है यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था यहाँ पे यही एग्जैक्टली exactly बात मैं आपको समझाना चाह रहा था यहाँ पे ठीक है ये देखिए एक बार इसको ले आते हैं यहाँ पे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इसके लिए तो यार ये प्रिंट हुआ और इसके लिए मेरा ये प्रिंट हुआ ठीक है चलिए इसको आते हैं इसको ड्राई रन करते हैं ज़बरदस्त कोड है यार यहाँ पे ये बहुत ही बढ़िया चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ प्लीज बने रहना मेरे साथ कमांड शिफ्ट फोर और आ जाते हैं थोड़ा इधर पे इसको ले आते इधर देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे जब मैंने मान लेते ये मेरी पूरी की पूरी यार मेमोरी है कुछ ये है मेरी मेमोरी बहुत बड़ी होती है हीप मेमोरी भी छोटी नहीं होती मैंने लिखा इन स्टार पीटीआर टी आर टू मैलॉक टेन इन फोर इनफैक्ट यार यहाँ पे मैंने टाइप कास्टिंग नहीं करी उसके बिना भी काम चल गया मैंने अभी के लिए नोटिस किया इस बात को एक बार इधर आ जाते हैं यार टाइप कास्ट भी कर देते हैं ठीक है यूजली इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू टाइप कास्ट बट एनी वेज रन करते हैं एक बार तो वही सेम रिज़ल्ट है अलग ही आएंगे ऑफ कोर्स ठीक है बट आप सोचो कि ये अब इससे अलग क्यों आ रहा है ऑब्वियसली जब मैं हर बार रन कर रहा हूँ तो अलग मेमोरी दी जा रही है उसे ये तो ही बात है लेकिन इधर आ जाते हैं यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो टाइपकास्ट और उसके बिना भी चल रहा है काम ठीक है अब जब ये मैंने काम किया तो ऑफकोर्स मेरे दस इंटीजर्स के लिए कुछ स्टोर हो गया जगह मान लेते हैं कुछ ऐसी जगह मेरी यार दस इंटीजर्स की जगह स्टोर हो गई मेरी कहीं पे भी अब ये देखता कहाँ है ये यहाँ देखता है कि पूरी मेमोरी में, में कुछ खाली है या नहीं अब मैं एक काम करता हूँ ना मैं रेड से ये डिनोट करूंगा कि मेमोरी में पहले से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें भरी हुई है मान लेते हैं यहाँ कुछ भरा हुआ था फिर यार यहाँ कुछ ऑलरेडी भरा हुआ था फिर यार यहां कुछ ऑलरेडी भरा हुआ है मान ले अब इसको क्या करना है इसको यार आ, ऐसी दस इंटीजर्स मेरे हिसाब से स्टोर करने हैं अगर जब मैंने ये लिखा तो दस इंटीजर्स ये कहाँ स्टोर करेगा है? देखेगा कि मेमोरी में खाली कहाँ है ये हिस्सा मेरे को खाली लग रहा है तो मैं यहां पर ले आता हूँ ले आया यहाँ पे इसको ठीक है और अपने पॉइंटर को पॉइंट करा दिया इधर अपने पी को इसके फर्स्ट वाले ये दस है समझ लो फर्स्ट पे पॉइंट करा दिया अब मैंने जब ये प्रिंट किया तो ये वाला एड्रेस प्रिंट हो गया ठीक है जब मैंने रियालॉक लिखा पॉइंटर इज टू पॉइंटर और ट्वेंटी अगर मैंने ट्वेंटी थाउजेंड की जगह ट्वेंटी लिखा होता तो रियालोकेशन होती ये कहता कि अच्छा रियालोकेशन हो रही है मेरे को ट्वेंटी और इंटीजर स्टोर मतलब टेन और इंटीजर स्टोर करने हैं अब टेन की जगह ट्वेंटी रखना है तो ये इसी को बढ़ा देगा पर ये पहले चेक करता है कि आगे का खाली है अगर है तो इसी को आगे बढ़ा देगा ठीक है इसलिए एड्रेसेस सेम प्रिंट आ रहे थे लेकिन जब मैंने बीस हज़ार देखा तो इसने बोला अरे यार बीस हज़ार तो यहाँ नहीं आ पाएगा बीच में बाधा है बहुत सारी ठीक है तो इसने अलग सी एक जगह देखी वहाँ पे सारी चीज़ें रख दी तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अपने लास्ट टॉपिक पर आ जाते हैं जो कि आज का है इसका नाम है हमारा फाइल हैंडलिंग तो जल्दी से इसको निपटाते हैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ज़रूरत नहीं होती है स्टार्ट करते हैं अपने फ़ाइल हैंडलिंग को तो आ जाते हैं यार अपने अगले टॉपिक पे जिसके बारे में आप जिसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे मतलब विच इज़ फाइल हैंडलिंग ठीक है तो यहाँ पे हम ओपनिंग क्रिएटिंग परफॉर्मिंग ऑपरेशन एंड क्लोजिंग ऑफ फाइल्स के बारे में बात करने वाले हैं फाइल्स यार आप सबको पता है फाइल्स किस लिए काम आती है ताकि आप एक आपको कभी भी परमानेंटली डेटा को स्टोर करना हुआ एंड फाइल्स के फॉर्मेट आप सब जानते हो यार डॉट टेक्स्ट में आप कर सकते हो ठीक है बहुत सारे होते होते तो बट ये दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज फाइल डॉट टी एक्स टी एक और बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन अगर आप यहाँ जाते हो जब भी आप कोई फ़ाइल बनाते थे देखो इसका एक दूसरी चीज़ भी बन जाती थी मेरी ठीक है ये देखो अलग सी अलग सी अब ये जो फोल्डर था क्या यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट फाइल भी बना सकते हैं हाँ ये देखिए अगर मैं चाहूँ यहाँ पे मैं अगर न्यू फाइल बनाता हूँ मान लो और मैं लिखता हूँ अपना नाम डॉट टी एच टी डॉट सी की जगह तो क्या ये हो सकता है हाँ बन गया ये देखो ये एक टेक्स्ट फाइल बन चुकी है मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ हाय माय नेम इज़ राघव एंड ई टीच मैथमेटिक्स ठीक है एंड कोडिंग ऑफ कोर्स तो ये एक टेक्स्ट फाइल है ये भी आप यहाँ बना सकते हो अभी इसके ऊपर थोड़ा सा हम खेलने वाले हैं टेक्स्ट फाइल के ऊपर ठीक है सारी चीजें करेंगे सबसे पहले तो यार कुछ कुछ चीजें कि हमारा जो प्रोग्राम है ना जब हम नॉर्मली अपना सी प्रोग्राम या सी प्लस प्लस रन करते हैं तो वो रैम में रन होता है ठीक है रैम क्या होती है यार रैंडम एक्सेस मेमरी ठीक है ये दिस इज नॉट परमानेंट मेमोरी नॉट परमानेंट ये वाइप ऑफ हो जाती है इट वाइप्स ऑफ ठीक है जबकि रोम हार्ड डिस्क एस एस डी एच डी डी एस एस डी ये हमारी परमानेंट मेमोरी होती है यहाँ पे ठीक है तो ये नॉन वॉलेटाइल होती है जबकि ये वॉलेटाइल होती है रैम बट एनी वेज ये जो टेक्स्ट फाइल हमने बनाए रखी है ना ये परमानेंटली स्टोर हो रखी है हमारे कंप्यूटर में इवन ये जो हम यहाँ पे अपनी फाइल्स लिखते हैं ये देखिए है। अब मैंने जो ये फाइल लिख रखी है अगर मैं कल को वी एस कोड बंद करके वापस खोलता हूँ तो ये तो कहीं नहीं जा रहा तो अभी के लिए तो ये टेक्स्ट में ही स्टोर हो रखा है हमारे इस टेक्स्ट एडिटर विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर इसमें हमारे कंपाइलर का कोई लेना देना नहीं है जो मैंने यहाँ लिखी है कोई लेना देना नहीं है कंपाइलर का कि ये कंप्यूटर में हमेशा स्टोर रहेगा या नहीं रहेगा ये एज टेक्स्ट स्टोर हो रखा है यहाँ पे ठीक है इनफैक्ट टेक्स्ट नहीं अजीब सी फाइल क्योंकि आप देख सकते हो अलग अलग यहाँ पे कलर भी हो रखी है अलग अलग चीजों के बट एनीस मोटा मोटा मैं टेक्स्ट ही बोलूंगा तो ये देखिए To store the data permanently, we need to store in secondary memory in the form of files. In fact, this was the primitive way of storing data in older applications before modern database management system jo ki hote हैं DBMS. aajkal yaar files databases में भी store होती है. आजकल क्या बहुत time से होने लग गया आपने. तो ऐसे करके हमारी चीजें होती हैं यहाँ पे. Right. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते और देखते हैं file handling हम C language में कैसे करते हैं. तो हमारे पास यार दो basic operation होते हैं read और write. रीड uh, राइट का मतलब आपको अभी तक नहीं पता तो मैं अगर छोटे से एग्जाम्पल से आपको बताऊँ कि आप अगर मान लीजिए पेन ड्राइव से या एस से कुछ चीज़ कंप्यूटर में पेन ड्राइव से कंप्यूटर में कॉपी कर रहे हो ठीक है आरओ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ये आप चीज़ कर रहे हो ठीक है पेन ड्राइव से लेकर कंप्यूटर में आप वो चीज़ कॉपी कर रहे हो ठीक है तो इस स्पीड को क्या बोलते हैं समझना इस चीज़ को हम आपकी दो स्पीड लिखी होती है रीड स्पीड रीड स्पीड राइट स्पीड ऑफ द पेन ड्राइव जैसे पेन ड्राइव में आपने देखा होगा या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव में देखा होगा एस में कि कितने एम की है अगर मैं एस की बात करूं तो जैसे मेरी यहाँ पे एस एस डी है इनफैक्ट ये देखो ये सैमसंग की टी सेवन प्रमोशन नहीं कर रहा लेकिन हाँ तो ये एस है ये हजार एम में रीड और राइट दोनों करती है लेकिन यूजुअली क्या होता है हमारा रीड uh, स्पीड तो बहुत अच्छी होती है राइट स्पीड इतनी अच्छी नहीं होती फॉर एग्जाम्पल यार ये देखिए ना ये ये एस कार्ड रीडर है ये एस कार्ड है बहुत छोटा सा आपको पता नहीं दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा ठीक है तो ये जो एस कार्ड है यार यहाँ पे इस पर लिखा है कुछ ऐसा यहाँ पे एस कार्ड ही लिख देता है इनफैक्ट ताकि आपको समझ आए अच्छे से इसी की कुछ बातें दिखाता हूँ इस एस कार्ड में लिखा है कि यार इसकी रीड स्पीड है हमारी टू सेवेंटी एम बी और इसकी राइट स्पीड है सेवनटी एम ठीक है तो इससे क्या पता लगता है इसकी रीड स्पीड और राइट स्पीड से इसका मतलब कभी भी एस कार्ड से मैं कुछ कॉपी करूँ कंप्यूटर में तो वो 270 सेवेंटी एमबीपीएस में कॉपी होगा क्यों इसका मतलब ये होता है कि मैं एस कार्ड में से वो डेटा रीड कर रहा हूं तो उस रीडिंग की स्पीड क्या है टू सेवनबीपी अब कंप्यूटर में कितनी वो क्या हो रहा है कंप्यूटर में राइट हो रहा है समझो अगर मैं एस कार्ड से कुछ कॉपी करके कंप्यूटर में डाल रहा हूं यहां से वो रीड हो रहा है और यहां वो राइट हो रहा है ठीक है अब यूजुअली कंप्यूटर की जो बिल्ट इन स्टोरेज होती है वो तो बहुत फास्ट होती है तो इसलिए उसी स्पीड में वो राइट हो जाएगा दोनों की मिनिमम स्पीड सेलेक्ट होती है वही अगर मैं एस कार्ड पे कुछ कॉपी करूं अपने कंप्यूटर से पीसी से या लैपटॉप से अगर मैं लैपटॉप से कुछ कॉपी करूं, देखो, एसडी कार्ड में तो वो सत्तर एम की स्पीड से ही होगा बस क्यों क्योंकि इसकी राइट right स्पीड इस पे लिखने की स्पीड बेसिकली ये है

पर उससे पहले फाइल का हम एक हमें एक पॉइंटर बनाना होता है ताकि हम सारी चीजों को एक्सेस कर सके और उसको ऐसे बनाते हैं हम लिखते हैं कैपिटल में ध्यान रखना कैपिटल में लिखते हैं फाइल स्टार पॉइंटर और यहाँ हम लिखेंगे एफ ओपन जो भी हमें फाइल अगर खोलनी है आर का मतलब यहाँ पे हम उसको अभी के लिए रीड कर रहे हैं बस देख रहे हैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशन लिख नहीं रहे चलिए करके देखते हैं यार इस चीज को भी ओपनिंग फाइल क्या ये फाइल हमारी खुलती है या ये फाइल हमारी नहीं खुलती है दोनों क्रिएटिंग फाइल भी आपको यहाँ पे सिखाता हूँ ठीक है तो आ जाते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो इसी फोल्डर के अंदर सी लास्ट लेक्चर में मैंने आईगेस राघव डॉट टेस्ट हाँ ये खोल रखा है एक बार इसको हम बंद कर देते हैं ठीक है और इनफैक्ट सारी फाइल्स बंद कर देते हैं ना यार प्री प्रोसेसर मैक्रो स्विच कैलकुलेटर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन ये सब कुछ ही बंद कर देते हैं कैलकुलेटर भी और एक बारी के लिए हम हम अपनी एक फाइल बना लेते हैं यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं फाइल हैंडलिंग डॉट सी प्रोग्राम बनाते हैं ठीक है यहाँ पे एक बार के लिए सारी चीज़ें हम कॉपी कर लेते हैं बट चलो कोई नहीं इंक्लूड एस टी डी ओ डॉट एच इंटमेन फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं अगर फाइल आपको ओपन कर रही है कोई इसी फोल्डर के अंदर फाइल हैंडलिंग में मेरे पास फाइल ऑलरेडी पड़ी है हमारी एरी जो कि मैंने आपको दिखाई थी कहाँ गई यार अच्छा मैंने फाइल हैंडलिंग बाहर बना दी क्या ओहो मेरे को सी के लास्ट लेक्चर में बनाना था चलो यहाँ बना देते हैं फाइल हैंडलिंग डॉट सी ठीक है अब एक बार अपना कोड करके देखते हैं और खोल के देखते हैं अपनी फ़ाइल यहाँ पे तो मैं एक फ़ाइल का पॉइंटर बनाता हूँ ठीक है फाइल ये कैपिटल फ़ाइल हमारा डेटा टाइप की तरह आप इसको समझ सकते हो ठीक है फ़ाइल पॉइंटर इज़ इक्वल टू मैं लिखता हूँ एफ ओपन एंड तो यहाँ पे अपने फाइल का नाम दे देता हूँ जैसे यहाँ पे एक फ़ाइल थी मेरी राघव डॉट टी एच टी और यहाँ पे था आर ठीक है तो इसको रन करेंगे तो देखो बिल्कुल सही चाहिएगा कोई एरर नहीं आएगा राइट तो अब क्या हुआ है यहाँ पे ये फ़ाइल खुल गई है मतलब यहाँ आप देख सकते हो अब हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं सच दैट रीडिंग राइटिंग एंड मॉडिफाइंग या फिर जितनी भी चीजें होता है राइटिंग में आ जाएगा तो पहले हमें हमेशा अपनी फाइल खोलनी पड़ती है अगर मैं एफ ओपन नहीं लिखता और डायरेक्टली किसी फाइल के साथ हरकतें करना स्टार्ट करता हूँ तो वो काम नहीं करेगा तो अपने प्रोग्राम के अंदर हमें सबसे पहले फाइल खोलनी होती है अब एक बार देखते हैं खोलने से पहले रीड करने से पहले इनफैक्ट रीड भी हम कर सकते हैं फाइल रीड ही कर लेते हैं इनफैक्ट रीड करते हैं तो देखो अगर आपको लाइन बाय लाइन रीड करना है तो आप लूप लगाते हो बट आप सबसे पहले हम एक काम करते हैं ना रीड करके देखते हैं इस फाइल में ये जो राघव टेक्स्ट है इसको खोल लेते हैं साइड में रख के यहाँ देखो इसमें हमने क्या लिखा है पहली लाइन में लिखा है हाय माय नेम इज राघव और दूसरी लाइन में लिखा है एंड आई टीच मैथमेटिक्स तो ये क्या है ये एक तरीके से एक स्ट्रिंग है पूरी हाय से लेकर तो मैं क्या करूंगा मैं एक स्ट्रिंग बनाऊंगा जिसके लिए मैं लिखता हूँ कैर ऐसे करके लिखते हैं ना हम कैर सी एच या कुछ भी कैर एस टी आर साइज दे दो मैं साइज बड़ा साइज देता हूँ कुछ सौ कैरेक्टर्स का राइट अब मैं यहां पे क्या करूंगा यहां पे मैं अपने पॉइंटर को सेट करा सकता हूं और अपने ये जो कैर स्ट्रिंग है जो हमने खुद से बनाई है इसके अंदर मैं स्टोर करा सकता हूं वो सारी चीजें जो कि हमारी फाइल के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है वो करते कैसे यहां देखिए यार इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसका सिर्फ इसको देखना पूरे वाइल लूप को मत देखना है यहाँ पे इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं इस चीज को ये देखो ठीक है तो आपको सिर्फ ये चीज देखनी है अब यहाँ पे ध्यान रखना इस बात का यहां पे मैं लिख रहा हूं एफ गेट्स दिस इज नॉट इक्वल टू नल यहां पे आपको इनफैक्ट लगाना पड़ता है यार इफ का पॉइंटर लगाना पड़ता है ठीक है इफ ये और फिर आप सीधा प्रिंट कर सकते हो ये चीज करके दिखा देता हूं ना यार मेरे को आपको यहां पे यहां पर आप स्ट्रिंग देते हो अपनी ये वाली ठीक है फिर यहां पर आप देते हो यार कितना आपको साइज है इवन टेन यहाँ पे फिफ्टी दे देंगे यहाँ पे पॉइंटर दे देंगे नॉट इक्वल टू नल मतलब एफ गेट्स फंक्शन का आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हो मोटा मोटा करके देखते हैं ना सबसे पहले आप लिखोगे एफ गेट्स ठीक है और यहाँ पे आप लिखोगे कि हमारा सबसे पहले स्ट्रिंग का नाम ठीक है फिर आप देते हो यहीं हम सौ दे देते हैं और हम अपना दे देते हैं पॉइंटर जहाँ से हमें लेनी है चीज़ें ठीक है तो इज़ नॉट इक्वल टू नल यहाँ पे ये यह लिखना है हमें आ, आ गया? हाँ और ये पूरी कंडीशन डालनी है, है हमें समझाता हूँ अगर ये मेरा नल नहीं है तो प्रिंट कर दो किसको प्रिंट कर दो स्ट्रिंग को तो गया हमारा ये परसेंटेज एस होता है परसेंटेज एस एस टी आर अब इससे देखना होगा क्या अच्छे से दिखाता हूं यहां पे लिखा है मेरा हाई नेम माई नेम इज राघव फर्स्ट लाइन टीच मैथमेटिक्स सेकेंड लाइन मैं रन करता हूँ हाई माई नेम इज राघव ओके तो इस लाइन से पहली लाइन ही प्रिंट हो रही है दूसरी लाइन प्रिंट नहीं हो रही अगर मैं इफ की जगह अगर मैं इफ की जगह वाइल लगा दूँ तो आप देखोगे दोनों चीजें प्रिंट हो गई अगली लाइन भी हमारी यहाँ पे प्रिंट होते हुए आपको नजर आ रही है अगर मैं इसकी जगह यहां पे वाइल लगा रहा हूं आई होप आपको ये चीज समझ आ रही है और अगली लाइन में ही आ रही है आगे क्योंकि इनको पता है यहां पे मैंने बैक स्लैश एन ही दे रखा था यहाँ पे ठीक है इसका मतलब ये समझ गए ऑटोमेटिकली तो ये सारी चीज आ गई तो वाइल करके आप सारी चीजें प्रिंट करा सकते हो और इफ स्टेटमेंट से आप सिर्फ यहाँ पे क्या करा सकते हो यहाँ पे ये ये चीज प्रिंट करा सकते हो क्या मतलब अगर पहली लाइन ही आपको प्रिंट करनी ऐसा हो इसलिए रहा है बेसिकली जो हमारा पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है किसको हमारे उस पहले वर्ड को पॉइंट कर रहा होगा इनफैक्ट पहले कैरेक्टर को जो कि हाई एच था ये आगे बढ़ता जा रहा है चेक करते जा रहा है ये नल तो नहीं है नल तो नहीं है नल तो नहीं है नल तो नहीं है और उस वैल्यू को फेच करता जा रहा है लेकिन एक सेंटेंस के लिए ही हमारा सिंटैक्स ये रहता है देखने में थोड़ा अजीब सिंटैक्स लग रहा है क्योंकि टेक्निकली मैं ऐसे आगे नहीं जा रहा बट येस दिस इज द तरीका टू गेट द स्ट्रिंग ठीक है गेट्स एंड पुट्स भी हमने पढ़ा था एफ गेट्स एफ एफपोट स्ट्रिंग के अंदर ही तो ये तरीका है सबसे पहले अपना सोर्स लिखो सॉरी uh, यहाँ पे डेस्टिनेशन लिखो सोर्स हमारा पॉइंटर है पॉइंटर में ये पूरी फाइल है कैद है हमारी फाइल और यहाँ पे लिख दो कि कितना है अगर मान लो टेन यहाँ पे टेन लिख दो तो अब देखना रन करता हूँ हाय माय ना ही आ गया सिर्फ ठीक है क्योंकि एग्जैक्टली exactly देखो एक दो तीन फुल स्टॉप भी है फिर चार फिर पाँच छः सात आठ नौ इनफैक्ट नौ आए दस ही हो गए मैंने ढंग से नहीं गिना ठीक है अगर यहाँ पे अगेन इसी की जगह मैं लिख दूँ फोर्टी तो पूरा आ जाएगा हाय माय नेम इज़ राघव जितने हैं उतना आप इस्तेमाल कर सकते हो इस चीज को राइट तो ये हमारी चीज है एक और चीज अगर मैं यहां हंड्रेड की जगह टेन ले लू तो मेरे स्ट्रिंग के अंदर स्टोर ही कितना हो पाएगा मैक्स टू मैक्स हाई माई एने ठीक है वो स्ट्रिंग की लेंथ ही खत्म हो जाएगी पॉइंटर को न लोने की तो जरूरत पड़ेगी ही नहीं राइट तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनफ आपको कैरेक्टर स्पेस रखना है स्ट्रिंग के अंदर अपना ताकि आप पूरी चीज़ें कर सको और वाइल्ड की मदद से आप पूरा का पूरा प्रिंट करा सकते हो एक्सेस कर सकते हो अपनी फाइल को रीड कर रहे हैं अभी हम अब हम देखते हैं कि अपनी फाइल को हम राइट कैसे कर सकते हैं बट उससे पहले फाइल की अगर मैं आपके सामने क्रिएशन समझाऊं क्रिएटिंग अ फाइल मैं चाहता हूं कि इसी फोल्डर के अंदर एक नई फाइल क्रिएट हो जाए वैसे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं जो हम यहां से करके करते हैं कि भाई इसमें जाओ इसमें जाओ यहां पे लिख दो डॉट टी एच टी अब मैं उससे नहीं चाह रहा लेकिन तो यहाँ से भी आप ये काम कर सकते हो यूजिंग दिस फाइल पॉइंटर ओनली ये देखिए अगर मैं लिखता हूँ ये बड़े ध्यान से सुनना इस चीज़ को और अगर मैं लिखूँ कोई भी मे को एक नई फाइल बना लिया मान लेते हैं पी डब्ल्यू और यहाँ पे लिख दो W राइट मोड अब देखना मैंने रन किया अब एक कमाल की चीज़ देखना इधर देखो अपने सी के लास्ट लेक्चर को खोलो तो आप देख सकते हो कांग्या पी डब्ल्यू डॉट टी एच टी मैंने नहीं बनाया आपके सामने बनाया इनफैक्ट इधर इधर आते हैं यहीं देखते रहते हैं पूरा ये फोल्डर ताकि आपको सारी चीज़ें नज़र आते रहे ये यह देखो यहाँ पी डब्ल्यू है यहाँ आगह हुआ है यहीं अगर मैं एक दूसरी फाइल बनाऊँ सी डब्ल्यू मैं एक और बार बस रन का बटन दबाता हूँ तो देखो एक चीज़ हुई यहाँ पे सी डब्ल्यू डॉट टी एच टी आ गया फाइल ठीक है तो ऐसे हम क्रिएट कर सकते हैं अपनी फाइल्स को बहुत ही बेहतरीन बहुत सही अब उस पर ऑपरेशन देखते हैं कि कैसे हम चीज़ें चेंज कर सकते हैं राइटिंग टू अ फाइल तो देखो लाइन बाय लाइन लिखने के लिए अब एफ गेट्स होता है रीड करने के लिए एफ पुट्स होता है हमारा यहाँ पे राइट करने के लिए ये बेसिकली प्रिट एफ और स्कैन प्रिंट और स्कैन एफ है इनफैक्ट हम एफ स्कैनए और एफ प्रिंट भी कर सकते हैं यूज लेकिन दिस दीज आर द न्यू मॉडर्न तो हम एफ पुट्स यहाँ पे हम लिख देंगे अपना कैरेक्टर आने यानी कि एस टी आर यहां पे अगर हम लिखते हैं अपना पी टी आर तो हमारा काम हो जाएगा जैसे कि आपको समझाता हूँ ये पूरा जो मैंने कोड लिखा है फाइल पॉइंटर यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं यार इधर देखिए मैंने एक नया पॉइंटर बनाया फाइल का जिसका मैंने नाम बना दी सी डब्ल्यू फाइल तो ये एक तो क्रिएट भी हो गई अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्या एस टी आर और इसका साइज़ देने की ज़रूरत है नहीं इनफैक्ट यहाँ पे और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई आई एम एम चलो ये नहीं मैं लिख देता हूँ यार पी डब्ल्यू इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म या क्या लिखूँ यार ठीक है भाई प्लेसमेंट लगेगी यहीं से ठीक है प्लेसमेंट लगेगी यहीं से राइट right, ये मैंने बना दी है अपनी एक स्ट्रिंग अब अगर मेरे को इसको अपनी सी डब्ल्यू की फाइल अभी खाली है बहुत ध्यान से देखो अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं मैं यहाँ पे एक सिंपल सी चीज लिख देता हूं एफ पुट्स पुट सी नहीं एफ पुट्स और यहाँ पे ये देखो बोल भी रहा है ये देखो कॉन्स्टेंट कैरेक्टर वाली चीज और यहाँ पे फाइल पॉइंटर हमारा तो अगर यहाँ पे मैं लिखू एस टी आर अपना स्ट्रिंग दे दू इस पी टी आर में फाइल पी टी आर में तो अब देखना अब मैं इसको पहले रन करता हूँ फिर क्या होगा बट इट इज़ ऑलवेज़ अ गुड प्रैक्टिस सबसे पहली बात तो कि जब आपने फाइल को ओपन किया है तो इट इज़ ऑलवेज अ गुड गुड प्रैक्टिस टू एफ क्लोज दिस फाइल तो इसको क्लोज बी यार कर देना चाहिए आपको तो अब एक बार रन करते हैं रन किया कोड हो गया मैजिक दिखाऊं प्लेसमेंट लगेगी यहीं से ठीक है तो ऐसे यार आप रन करते हो इस चीज़ को सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे सिर्फ यहीं से लिख दूँ प्लेसमेंट लगेगी सिर्फ यहीं से ऐसा नहीं है वैसे तो यार रन करूँ तो देखो मॉडिफाई भी हो जाएगा दिस इज़ नाउ मॉडिफाइड ठीक है तो ये होते हैं हमारी यार फाइल हैंडलिंग आई होप आपको समझ आ रहा होगा एफ़ पुट्स फंक्शन हमने अभी तक देखो क्या क्या चीज़ें पढ़ी है एफ़ पुट्स एफ क्लोज तो बहुत सिंपल सी बात है इसको इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू क्लोज द फाइल ऑलवेज दिस इज़ एफ ओपन ये भी हमने देख लिया राइट right मोड से हम लिख सकते हैं यानी कि हम चेंजेस कर सकते हैं इससे हम दो चीज़ें करते हैं जब मैं ये लिखता हूँ तो क्रिएट हो जाती है एक फाइल अगर ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है ठीक है अगर मैं सिर्फ कोई भी नाम लिख के W लिख दूं तो वो चेक करेगा कि पहले फाइल है नहीं है क्रिएट कर दी अगर एग्जिस्ट कर रही है फाइल तो ठीक है कोई बात नहीं फिर हम राइट right मोड में जब आ चुके हैं जब मैं यहाँ लिखता हूँ कैरेक्टर एस टी आर मैंने ये तो सिर्फ एक कैरेक्टर स्ट्रिंग बनाई है एफ पुट्स का मतलब ये इसके अंदर मैंने डाल दी है आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होगी क्लोजिंग का फाइल हमने देख लिया यार वी यू मस्ट ऑलवेज क्लोज अ फाइल आफ्टर यू आर डन विद इट तो यही है यार हमारा फाइल हैंडलिंग सिंपल सा कुछ इसमें खास नहीं है हमने क्या क्या पढ़ा यार हमने देखा कि एफ ओपन फाइल पॉइंटर ठीक है फाइल पॉइंटर ऐसे बनाते हैं एफ ओपन करते हैं फाइल का नेम रीड मोड या राइट मोड में रखते हैं फिर हमने देख लिया कि एफ गेट्स क्या करता है एफ गेट्स में हमेशा याद रखना ये वाला सिंटैक्स मत भूलना कभी क्या है यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी तो देखो एफ गेट्स का सिंटैक्स ऐसे होता है कभी भी आपको प्रिंट करानी हो जो भी आपने फाइल में लिखा है तो अगर आपको सिंगल लाइन प्रिंट करानी हो तो आप लिखोगे एफ यहाँ पे आप लिख दोगे एफ गेट्स ठीक है एस टी आर उसका कितना साइज लेना है आपको ये जो सेकंड चीज़ होती है इसका मतलब होता है कि कितनी लेंथ आपको फर्स्ट सेंटेंस में से भी कितना तक आपको लेना है ठीक है फिर आप यहाँ पे लिख देते हो अपना क्या पहली बात तो आप अपना एक एस बना भी लेते हो यहाँ पे ठीक है खाली स्ट्रिंग आप बना लोगे यहाँ पे लिख दोगे क्या आर एस ठीक है एक खाली स्ट्रिंग बना लो एक बारी के लिए ठीक है फिर आप लिखते हो एस टी आर यहाँ पर लिख दोगे आप पी टी आर नॉट इक्वल टू नल ये इसका फॉर्मेट होता है तो बड़े ध्यान से देखना ये एक चीज़ है ये एक कंडीशन है बेसिकली ये एफ गेट्स वाली नॉट इक्वल टू नल जब तक नहीं होती तो आप यहाँ पे लिख दोगे प्रिंट एफ प्रिंट आप अपनी स्ट्रिंग को ही कराएंगे उसके अंदर वैल्यू स्टोर होती जा रही है ठीक है प्रिंट एस टी आर एंड आप बस इस इफ की जगह वाइल लिखोगे अगर आपको सारी लाइन्स प्रिंट करानी है तो तो ठीक है यार आज की वीडियो के लिए इतना ही था आज हमने अलग अलग ऐसे टॉपिक्स पढ़ लिए जो मेरे को यूजलेस लगते हैं टू बी ऑनेस्ट लेकिन कभी कभी आपके हो सकता है एग्जाम्स में आ जाए थोड़ी बहुत चीज़ें रट्टा है थोड़ा बहुत थ्योरी है कुछ खास नहीं है बट आप लोग डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे थे तो आपके लिए लेक्चर हम ले आए हैं ये लास्ट लेक्चर था सी का यार आपने सी लैंग्वेज की सीरीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है अगर आपको आज मज़ा आ गया हो तो लिख देना मज़ा आ गया ठीक है ऑल आज इतना मज़ा नहीं आया होगा यार क्योंकि मैंने भी मज़े लेके नहीं पढ़ाई ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है ठीक है लेकिन कमेंट्स में ज़रूर लिख देना और पूरी सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ अगर आपने अच्छे से देख लिया तो आई होप यार आपको एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला हो इस सीरीज़ से ठीक है काफ़ी टाइम से आपसे एक बात कहनी थी कह नहीं पाए थे विच इज़ क्लोजिंग अ फाइल नहीं थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया हमारी वीडियोस को सी प्रोग्रामिंग में स्पेसिफिकली काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं, बहुत अच्छे कॉमेंट्स हैं और ऐसे ही यार पढ़ते रहिए बाय